सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। हमारा आज का नॉवल वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल है, जिसका नाम है उम्मीद वफा। ये तहरीर है ज़ीनिया शर्जील की। इस नॉवल को मैंने खुद से चूज़ किया है क्योंकि जब मैंने इसको रीड करना स्टार्ट किया तो मुझे स्टोरी जो है वो इवन स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा आई कैचिंग लगी। बहुत ज़्यादा इसमें सस्पेंस भी है। अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ तो बेसिकली ये एक स्टेटस डिफरेंस बेस्ड भी है, यानी कि एक अमीर फैमिली होती है, उनके घर जो सर्वेंट होता है उसकी भी ऑब्वियसली एक फैमिली होती है। तो जो अमीर है वो गरीबों को ज़रा पसंद नहीं करता, लाइक बहुत कमतर समझता है ऐसे लोगों को ना। तो जो अमीर वाली फैमिली है उनके भी दो बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी, और जो गरीब वाले हैं उनके भी दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। अब बेसिकली कपल्स जो हैं वो दो ही हैं इस नॉवल में, यानी कि वो अमीर के जो बच्चे हैं उनका कपल बनना है गरीबों के बच्चों के साथ। तो यूँ एक कपल में हीरो रिच होगा, हीरोइन जो है वो पुअर होगी, और दूसरा वाला वाइस वर्सा होगा इसके। ऐसे ही स्टोरी चलती जाती है, लेकिन सिर्फ ये एक नॉर्मल स्टोरी नहीं है बल्कि ये चाइल्ड अब्यूज़ पर बेस करती है। एक 9 साल की बच्ची होती है जिसका रेप होता है, फिर सस्पेंस बहुत चलता है कि किसने किया होगा, इल्ज़ाम किस पर लगता है इस तरह से। और ये बहुत अच्छी एक दोस्ती की कहानी है। और इसके अलावा एज डिफरेंस बेस्ड है, आर्मी बेस्ड है, हैप्पी एंडिंग होगी इस नॉवल की, और भी बहुत कुछ है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। इन शॉर्ट आपको ये नॉवल पसंद आएगा। सो अब मैं इसका एपिसोड 1 शुरू करती हूँ। सुबह बखैर डॉक्टर माहीन। 55 साल नर्स जुलेखा डॉक्टर माहीन के कमरे में आती हुई बोली, डॉक्टर माहीन थोड़ी देर पहले अस्पताल में आई थी। आपकी तो कल रात की ड्यूटी थी, अभी तक आप यहीं मौजूद हैं, घर नहीं गई अपने? डॉक्टर माहीन जुलेखा की उम्र की वजह से हमेशा उन्हें इज्जत से पेश आती थी, साथ ही वो अपना कोट भी पहनने लगी ताकि वार्ड का चक्कर लगा सकें। तब जुलेखा उन्हें बताने लगी, कल रात इमरजेंसी में एक बच्ची को लाया गया था जिसकी वजह से डॉक्टर हदायत ने मुझे ऑन ड्यूटी रहने को कहा। जुलेखा उस मासूम बच्ची का तसव्वुर जहन में लाकर अफसुर्दगी से माहीन को बताने लगी, क्यों, क्या कोई ज़्यादा ही स्पेशल केस था जो आपको हदायत साहब ने यहाँ रुकने की हदायत दी? माहीन अपना मोबाइल उठाकर मुस्कुराती हुई जुलेखा से पूछने लगी, सिर्फ 9 साल की उम्र है उस बच्ची की जिसको जिंसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, फिर उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश की गई। खौफ के मारे वो बच्ची कल बुरी तरह चीख रही थी। उस बच्ची के साथ ज्यादती करने वाला शायद कोई जानवर ही होगा जिसने बड़ी बेदर्दी से उस कमसिन बच्ची के साथ, चीखें नहीं सुनी जा रही थी मुझसे उस बच्ची की, कल रात बहुत मुश्किल से उसे कंट्रोल में करके नींद का इंजेक्शन दिया गया था। जुलेखा की बात सुनकर डॉक्टर माहीन का दिल अफसुर्दा होने लगा। ऐसा नहीं था कि जिंदगी में पहला ऐसा केस उनके सामने आया था, मगर जब भी ज्यादती की हुई औरत या बच्ची को अस्पताल लाया जाता वो यूं ही अफसुर्दा हो जाती। खुदा गारत करे ऐसे दरिंदों को जो मासूम बच्चियों तक को अपनी हवस का निशाना बनाते हुए एक बार भी नहीं सोचते कि यही अमल कल को उनकी बहनों बेटियों के साथ कोई दूसरा करे तो वो खुद कैसा महसूस करेंगे। और दूसरा, हमारा कानूनी निज़ाम, ऐसे भेड़ियों की तो कोई पकड़ नहीं होती, खुले आम दंदनाते फिरते हैं। डॉक्टर माहीन सर झटक कर बोली और टेबल पर रखी हुई फाइल देखने लगी, जो कि रूम नंबर 11 की पेशेंट की थी जिसको कल रात अस्पताल में बुरी हालत में लाया गया था, मगर इस मौका वारदात पर उस लड़के को पकड़ लिया गया है जिसने उस बच्ची के साथ इतना बेरहमाना सलूक किया था। सफर बता रहा था वो खुद भी ज्यादा बड़ा नहीं है, कम उम्र है उस लड़के की भी। जुलेखा की बात सुनकर डॉक्टर माहीन ने फाइल से सर उठाकर जुलेखा को देखा, कम उम्र हो या ज्यादा उम्र हो, वो मर्द हो या फिर लड़का, ऐसे जलील इंसान को सूली पर लटका देना चाहिए। डॉक्टर माहीन फाइल को टेबल पर रखकर जुलेखा को देखती हुई बोली, वैसे ही रूम का दरवाजा खुला, वार्ड बॉय रूम के अंदर दाखिल होता हुआ बोला, रूम नंबर 11 के पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, डॉक्टर हदायत ने फौरी तौर पर आपको रूम नंबर 11 में आने को कहा है। जैसे ही वार्ड बॉय ने डॉक्टर हदायत का पैगाम डॉक्टर माहीन को दिया, वैसे ही डॉक्टर माहीन और जुलेखा दोनों रूम नंबर 11 में जाने के लिए तैयार हो गई। छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं नहीं बोलूंगी किसी को, कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे मत मारना, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। 9 साल बच्ची जो कि इस वक्त 2 नर्सेज और 1 वार्ड बॉय के काबू में नहीं आ रही थी और हजियानी अंदाज में चीखती हुई वो अस्पताल के कमरे की खुली खिड़की को मुसलसल देख रही थी। इस वक्त डॉक्टर माहीन और जुलेखा भी रूम में पहुंच गई थी। या अल्लाह मेरी बच्ची, देखें क्या हाशिर कर दिया है उस जालिम ने मेरी छोटी सी मासूम बच्ची का। जारों की तार
रोती हुई औरत पर डॉक्टर माहीन की नजर पड़ी। उस औरत की आंखों से बहने वाले आंसू और आहें बता रहे थे कि वो औरत इस बच्ची की माँ थी। उसके साथ ही ढलके हुए शानों और शिकस्ता अंदाज में उस औरत को तसल्ली देता हुआ शख्स यकीनन उस बच्ची का बाप होगा, जिस बच्ची को कल रात ज्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि कमरे के एक कोने में 17 से 18 साल का लड़का भी मौजूद था, जो अपने आंसुओं को जब्त किए हुए खड़ा था और दोनों मुट्ठियों को भींचे हुए रोती हुई उस बच्ची को देख रहा था। दोनों की शक्लों में मुमासिलत से डॉक्टर माहीन ने अंदाज़ा लगाया कि वो इस बच्ची का भाई होगा, जो एकदम से बाहर निकल गया। प्लीज़ आप दोनों भी रूम से बाहर जाएं, पेशेंट को हम संभाल लेंगे, डॉक्टर माहीन उन दोनों के पास आती हुई आहिस्ता से बोली, जबकि जुलेखा सिरिंज में इंजेक्शन भर रही थी। डॉक्टर माहीन के बोलने पर वो आदमी रोती हुई अपनी बीवी को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। और कितना रास्ता रहता है आबाद? 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद मुसलसल 5 घंटे से गाड़ी का सफर करती हुई नाज़नीन अब थक चुकी थी। तभी बेजार हुई ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठे हुए अपने शौहर से पूछने लगी, ये बात तुम 3 बार पूछ चुकी हो नाज़नीन, अभी बताया तो है कि मजीद 1 घंटा लगेगा, करना क्या है तुम्हें? बंगले में पहुँच कर आराम ही करोगी ना? असल ख्वारी तो मेरी है, जिसे इस लंबे सफर के बाद मेन हेडक्वार्टर में जाकर आज ही ज्वाइनिंग देनी है। आबाद खुद भी इस तवील सफर से बेजार हो चुका था, इसीलिए चिढ़ता हुआ नाज़नीन से बोला, मालूम नहीं आराम करना है कि घर की सफाई करवानी है, पता नहीं घर साफ सुथरा मिलेगा भी कि नहीं। नाज़नीन जो काफी सफाई पसंद वाकिया थी आहिस्ता से बुड़बुड़ाती हुई बोली, मगर उसकी बुड़बुड़ाहट आबाद सुनकर कार ड्राइव करते हुए कयूम से पूछने लगा, हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा, घर की सफाई वगैरह करवाई थी? शायद मेरी फोन पर तुम्ही से बात हुई थी परसों। आबाद 21 ग्रेड का ऑफिसर था, उसकी पोस्टिंग चंद दिनों पहले बॉर्डर एरिया में हो चुकी थी, आज ही वो बाय एयर गिलगित पहुंचा था और आज ही उसे ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उसे रिहाइश के लिए सरकारी बंगला मिला था, इसीलिए वो अपने हमरा नाज़नीन और 2 बच्चों को भी साथ ले आया था। जी साहब, परसों सफदर साहब ने मेरी ही आपसे बात करवाई थी, कयूम नाम है मेरा साहब, मेरी घरवाली ने खादमा से कहकर रात में ही बंगले की सफाई सुथराई करवा दी थी, बिस्तर पर साफ सुथरी चादर उसने खुद ही बिछा दी थी, खाने का आप जब भी बोलेंगे वो मैं अपनी घरवाली से बनवा दूंगा। कयूम की ड्यूटी उस सरकारी बंगले में पोस्टिंग होने वाले अफसरान की ड्राइवरी के साथ साथ छोटे मोटे काम अंजाम देना थी। वो आबाद को पूरी तफसील से मुकम्मल बात बताने के साथ साथ अपना नाम भी याद दिलाता हुआ बोला, जो शायद उसके बराबर में बैठा हुआ ये मगरूर 21 ग्रेड का अफसर 2 बार पूछने के बाद भी भूल चुका था, तो तुम शादीशुदा हो, बच्चे वगैरह हैं तुम्हारे? कयूम, मैं तुम्हारी बीवी से मिलना चाहूंगी, वैसे क्वार्टर कहाँ पर है तुम्हारा? नाज़नीन बोर होने की वजह से ड्राइविंग करते हुए कयूम से पूछने लगी, जिस पर अब्बात ने बकायदा मुड़कर उसको आंखें दिखाई, जबकि ड्राइव करता हुआ कयूम मुहसिब अंदाज में नाज़नीन को अपनी फैमिली के बारे में बताने लगा, जी बेगम साहिबा मैं शादीशुदा हूँ, माशाल्लाह मेरे भी 2 बच्चे हैं, रक्षी को मैं शाम में आपके पास भेज दूंगा और मेरा सर्वेंट क्वार्टर आपके बंगले की दीवार के साथ ही मौजूद है। कयूम, जिसने अब्बाद के चेहरे पर छाई नागवारी का नोटिस नहीं लिया था, ड्राइविंग करता हुआ सादगी से अपने साहब की बीवी को बताने लगा, कितनी बार कहा है नौकरों से फजूल किस्म के सवाल मत पूछा करो। कयूम की बात मुकम्मल होने पर अब्बाद अंग्रेजी में नाज़नीन को डांटता हुआ बोला, जिस पर वो खामोश हो गई। कयूम को अंग्रेजी तो नहीं आती थी, मगर वो समझ गया था कि उसका साहब अपनी बीवी से गुस्से में मुखातिब था, इसीलिए वो खुद भी खामोशी से ड्राइविंग करने लगा। जबकि आबाद के तेज लहजे की वजह से इस सफर को एंजॉय करती हुई 9 साल की बेला आबाद को देखने लगी, प्लीज बाबा डोंट डू दैट, आप मामा पर गुस्सा मत करें। सुनहरी बालों में 2 पोनियां बांधे टैडी बेयर को अपनी गोद में बिठाए बेला आबाद को देखती हुई बोली, घर में वो सबसे छोटी थी, आबाद, नाज़नीन, इफ्राहिम समेत सबकी लाडली भी, जो पूरे रास्ते अपने टैडी बेयर के साथ सफर इंजॉय करती हुई आ रही थी। नो डार्लिंग, योर बाबा वॉज नॉट गेटिंग एंग्री, ही वॉज एक्सप्लेनिंग टू मामा, ब्रैकेट, नो डार्लिंग, आपके बाबा गुस्सा नहीं कर रहे थे, मामा को समझा रहे थे। आबाद फौरन नरम लहजे में अपनी 9 साला बेटी को देखता हुआ बोला, एक नज़र नाज़नीन को देखकर विंडो से बाहर देखने लगा।
वैसे तो वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, मगर उसे अपनी बीवी की बेजा रहम दिली और मुलाजमों से हमदर्दी करने वाली आदत से सख्त चिढ़ थी। कितना ज्यादा बोल रहे हैं आप सब लोग, इंसान सुकून से सो भी नहीं सकता। इब्राहिम, जो सारे रास्ते सोता हुआ आया था, नींद में खलल होने के बाइस बेजार होता हुआ बोला, अफी अब जाग जाओ, आधे घंटे बाद हम पहुंचने वाले हैं। नाज़नीन और बेला के साथ पीछे बैठे हुए 17 साल बेटे की बेजारी को खातिर में ना लाते हुए अबाद उससे बोला। तो इब्राहिम मुकम्मल बेदार होता हुआ सीधा होकर बैठ गया। अब गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद खामोशी से सरकारी बंगले में पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। तुम्हें कितनी बार कहा है गुल कि मेरे कमरे में आकर मेरी किताबों को हाथ मत लगाया करो, समझ में नहीं आता तुम्हें? अजलान जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, मेज पर रखी हुई अपनी किताबों के साथ छेड़छाड़ करती हुई अपनी चचाजात पर बिगड़ता हुआ बोला, अरे भाई, इन किताबों में कौन सा खजाने का नक्शा छुपा हुआ है जो तुम यूं मुंह बिगाड़ रहे हो बागड़ बिल्ले? गुल मेज से दूसरी किताब उठाकर पलंग पर बैठती हुई बोली, उसे अपने इस नक चिड़े कजन को अजीब नामों से पुकारने में बड़ा मजा आता था। ये तुम जैसे अनपढ़ लोगों की सोच है जो किताबों में इल्म की बजाय खजाने ढूंढते हैं। वापस रखो मेरी किताब, और खबरदार जो तुमने आइंदा मुझे उल्टे सीधे नाम से पुकारा तो। अजलान गुल की बात के जवाब में तंज करता हुआ बोला, क्योंकि वो 7 जमातें पढ़ने के बाद तालीम को खैर पाक कह चुकी थी। साथ ही अजलान को गुल का यूं बेतकल्लुफ होना जहर लगता था, जो यूं बेधड़क होकर उसके कमरे में आकर उसकी चीजों में घुसती फिरती थी। हाँ, बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे इतना पढ़ लिख कर तुम्हें कहीं का अफसर लगना है। हमारे बाप दादा ने सारी जिंदगी इन अफसरान की चाकरी में गुजार दी है, तुम्हें भी ज्यादा ऊंची उड़ान उड़ने की जरूरत नहीं है। कल कलां को तुम्हें भी वही सब कुछ करना है जो हमारे बड़ों ने किया है। गुल अजलान के तंस पर जलती हुई बोली और उसकी किताब को पलंग पर पटकती हुई उठ खड़ी हुई। इसमें ऊंची उड़ान वाली कौन सी बात है? जो जैसी सोच रखता है, जिसका जैसा मयार होता है, वो वैसे ही ख्वाब देखता है। मगर तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तालीम भी उसी इंसान को संवारती है जो उसकी अहमियत को जानता हो। अजलान गुल से बोलता हुआ पलंग पर रखी हुई अपनी किताब उठाकर वापस मेज पर रखने लगा। वो बचपन से ही अलग तबीयत का मालिक था, अलग सोच रखने वाला। 17 साल अजलान फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं होती बागड़ बिल्ले, सीधी सी बात है, हम गरीब लोग तो अपने लेवल के ख्वाब देखते हैं। तुम अपना लेवल ऊंचा करके ज्यादा महंगे ख्वाब देख लो, मगर इन महंगे ख्वाबों को देखने के लिए सोना तुम्हें इस बोसीदा पलंग पर ही पड़ेगा। गुल गहरा तंज करती हुई अजलान को देखकर हंसती हुई बोली, जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील करना जानते हों और जिनको अपने ऊपर मुकम्मल भरोसा हो, वो अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए कांटों से गुजर कर अपनी मंजिल पर पहुंचने का हौसला रखते हैं। अब तुम मेरा ज्यादा दिमाग न खाओ, तुम्हें चची बुला रही हैं, जाओ जाकर बकरियों को चारा डालो। अजलान अभी खुद भी मार्केट से जाकर खाने पीने का काफ़ी सामान लेकर आया था, क्योंकि आज रात रक्षी को खाना साहब लोगों की फरमाइश के मुताबिक बनाना था। गुल अजलान की बातें सुनकर छोटी छोटी आंखें घुमाती हुई उसके कमरे से निकल गई। जबकि अजलान अपने सेलन ज़्यादा कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा, क्योंकि उसे अपने कल के टेस्ट की तैयारी करनी थी। खाना भिजवा दिया था आबाद साहब के बंगले पर? कयूम थोड़ी देर पहले घर में दाखिल हुआ था, हाथ मुंह धोकर कमरे में बिछे दस्तखान पर बैठता हुआ रक्षी से पूछने लगा। हाँ निसार दे आया था, बता रहा था कि नया अफसर अपनी बीवी बच्चों के साथ आया है। वैसे कैसी है नए अफसर की बीवी और बच्चे, कितने बड़े हैं? कयूम के पूछने पर ट्रे में खाना लाती हुई रक्षी अपने शौहर से अबाद की बीवी और बच्चों के बारे में पूछने लगी। कैसा होना है अफसर की बीवी को? जैसे साहब लोगों की बीवियां होती हैं, पढ़ी लिखी और खूबसूरत वैसी ही है। इत्तफाक से अबाद साहब के बच्चे अपने अजलान और नौफ ही की हम उम्र हैं। खैर, हमें क्या लेना देना उन लोगों से या उनके बच्चों से? बस निसार को अच्छी तरह समझा देना कि अबाद साहब को कोई शिकायत का मौका ना दे। बहुत मुश्किल से उसके लिए सफदर साहब की मिन्नत समाजत करने के बाद इस नौकरी का बंदोबस्त किया है। कयूम चंगेड़ से रोटी निकालता हुआ सामने बैठी अपनी बीवी से बोलने लगा, जो प्लास्टिक के जग से स्टील के ग्लास में उसके लिए पानी भर रही थी। शिकायत का मौका ना दे निसार, अच्छा लतीफा सुनाया है तुमने। तुम्हारा छोटा भाई कोई एक जगह टिक कर नौकरी कर ले तो बड़ी बात है। आज भी मैंने अजलान को मार्केट भेजकर गोश्त और सब्जी मंगवाई, ताकि रात में अफसर लोगों का खाना तैयार हो सके, क्योंकि तुम्हारा भाई तो थड़े पर बैठा हुआ अपने नकारा दोस्तों के साथ पत्ते खेलने में मसरूफ था। और उसकी बीवी
तो इस उम्र में भी सुर्खी पाउडर लगाकर आईने के सामने खड़े रहने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है उसे जो अदनान और गुल पर नजर रख सके। रक्षीत सर झटक कर अपने देवर के साथ साथ उसकी बीवी गजल के भी करतूत अपने शौहर को बताने लगी, जिसे सुनकर कयूम के माथे पर बल पड़े। तुम्हें निसार और गजल के बच्चों में कौन से गुण नजर आने लगे हैं? इससे बेहतर यह है कि तुम अपने बच्चों पर नजर रखो। निसार और गजल की लाओबाली तबीयत को नजरअंदाज करके कयूम उल्टा रक्षी से बोला, तो रक्षी खाने से हाथ रोक कर शौहर को जताती हुई बोली, कयूम साहब, तुम्हें अपने बच्चों में कौन से गुण नजर आने लगे हैं जो तुम अपने छोटे भाई के बच्चों का मेरे बच्चों से मुकाबला कर रहे हो? अदनान को देखा है, बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। किस तरह के लड़कों में उठता बैठता है, कैसी बुरी सोहबत में रहना शुरू कर दिया है उसने, और वो गुल कितनी कम उम्री में कैसे फराटे भर के जबान चलाती फिरती है। ना उसे बड़ों का अदब करना आता है, ना ही किसी का लिहाज करती है। मेरी नौफ उससे उम्र में 2 साल छोटी होने के बावजूद कैसे सीधी सादी सी है, और मेरा असलान वो तो अपनी किताबों से मचाल है जो नजरें उठाकर किसी को देख ले। रक्षी आखिर में फखरिया अंदाज में गर्दन अकड़ा कर अपने बच्चों की तारीफ करने के बाद आराम से खाना खाने लगी, जबकि कयूम अपना खाना छोड़कर सामने बैठी हुई बीवी को घूरता हुआ बोला, अरे नेक बख्त, मान लिया इस पूरे इलाके में तुम्हारे बच्चों के जैसे किसी दूसरे की औलाद नहीं है। जाओ अब बादाम का हलवा ले आओ जो तुमने सुबह बनाया था। कयूम अपनी बीवी के सामने हार मानता हुआ बोला, क्योंकि वो जानता था उसकी बीवी अपनी औलाद के बारे में बिल्कुल सच बोल रही है। दोपहर में खा लिया था तुमने वो हलवा, मैंने अजलान के लिए बचा कर रखा है। रक्षी खाने के झूठे बर्तन उठाकर किचन का रुख करती हुई बोली, ये भी सही है, बादाम का शरबत भी रोज रोज बेटे को बनाकर दो और हलवा भी बेटा ही खाए। कयूम शुक्र अदा करने के बाद दस्तरखान से उठकर बुड़बुड़ाता हुआ बोला, तो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर भी तो उसी को ही बनना है। किचन से आते हुए रक्षी की आवाज पर कयूम हंसता हुआ बिस्तर पर सोने की गर्ज से लेट गया, क्योंकि सुबह 8 बजे उसे अब्बाद को ऑफिस छोड़कर आना था। क्या हुआ, यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हो? थोड़ा मुश्किल है यहाँ से फरार होना। वो बालकनी में खड़ी वहां से छलांग लगाने के बारे में सोच रही थी, एकदम कमरे में से आती मर्दाना आवाज पर मुड़ती हुई खौफ के मारे उसे देखने लगी। 30 साल की उम्र के लगभग सूट बूट पहने हुए आदमी यकीनन रोहेल चुगताई था, जिसके लिए आज उसको यूं सजाया संवारा गया था। रोहेल ने कमरे में आने के साथ ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, तो वो अपना कंधे से ढलका हुआ दुपट्टा जल्दी से ठीक करने लगी। देखिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं, मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूँ। रूबी ने मुझे ज़बरदस्ती मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ आपके पास भेजा है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दें। वो बालकनी से कमरे में आती हुई रोहेल को देखकर बोली। रोहेल उसे हुलिये और लबो लहजे से पढ़ा लिखा लग रहा था, उसे लगा रोहेल उसकी मजबूरी समझेगा और तर्स खाकर उसे यहाँ से जाने भी देगा। मैं भी वैसा आदमी नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रही हो, मैं भी एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखता हूँ, एक खूबसूरत बीवी और 2 बच्चे हैं मेरे, हर किस्म की लड़की के साथ रात गुजारना मुझे पसंद नहीं है और ना ही ये सब मेरा मशगला है, बस महीने 2 महीने में एक आध बार ही, यू नो। रूबी को मेरा मजाज और स्टैंडर्ड मालूम है, उसी को मद्देनजर रखते हुए रूबी ने तुम्हें आज रात मेरे लिए सिलेक्ट किया है और मानना पड़ेगा उसका मुंतखब करता आज रात का ये सरप्राइज। तुम्हारा मदहोश करने वाला ये हुस्न वाकई इस काबिल है कि इसको बहुत नज़दीक से देखा जाए, इसीलिए वक्त ज़ाया किए बगैर यहाँ मेरे पास आ जाओ। नखरे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और सुबह मुझे मीटिंग भी अटेंड करनी है। रोहेल उससे बात करने के साथ ही शराब की बोतल और एक ग्लास सामने मेज पर रखता हुआ खुद सोफे पर बैठ चुका था। वो आंसू बहाती हुई रोहेल को देखने लगी, तुम अभी तक वहीं खड़ी हो? देखो, मैं जानता हूँ कि ये सब जो आज तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हारा पहला तजर्बा होगा। रूबी के पास जितनी भी नई लड़कियाँ आती हैं वो पहली दफ़ा में ऐसे ही डरी सहमी होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस काम की आदत हो जाती है, तुम्हें भी हो जाएगी। ये रोना धोना मचा कर तुम कुछ एक्स्ट्रा ही कर रही हो, मैं आज रात तुम्हारे साथ गुजारने की एक अच्छी खासी अमाउंट रूबी को दे चुका हूँ, इसीलिए मेरा टाइम वेस्ट ना करो। रोहेल उसको रोता हुआ देखकर बहुत आराम से समझाने लगा, बगैर रिश्ते के इस तरह कैसे, प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लें। वो अपने आंसू साफ करती हुई रोहेल से बोली, जिस पर वो कहकहा मार कर हंसा, शादी कर लूँ तुमसे? वो क्यों भाई, तुम मेरी तारीफ को गलत अंदाज में ले रही हो, मेरी बीवी भी बहुत खूबसूरत है
और मैं अपनी लाइफ में उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें बताया तो है कि ये सब मेरा मशगला नहीं है। कभी कभार रूटीन लाइफ से हटकर या थोड़ा सा जायका बदलने के लिए मैं रूबी से कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ। अब तुम मेरा काफ़ी ज़्यादा वक्त ले चुकी हो, जाओ जाकर बेड पर लेट जाओ। रुहेल शराब का ग्लास खाली कर चुका था। वो खाली ग्लास को दोबारा शराब से भरता हुआ उससे बोला, एक बार फिर आंखों से उमट आने वाले आंसुओं को साफ करती हुई वो बेड की तरफ देखने लगी, जिसकी तरफ कदम बढ़ाना उसे दुश्वार लग रहा था। इससे पहले कि रुहेल सोफे से उठकर उसके पास आता, न जाने किस ख्याल के तहत वो बेड के बराबर में मौजूद कमरे का दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से अंदर चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ओ शिट नो! बेला बंगले में मौजूद लॉन में साइकिलिंग कर रही थी। बरवक्त ब्रेक ना लगने की वजह से साइकिल लॉन के पास पड़े गंदे पानी को उड़ाती हुई गेट से अंदर आने वाले लड़के के कपड़ों को अच्छा खासा ख़राब कर चुकी थी, जिस पर वो लड़का अपने कपड़ों के बाद बेला को गुस्से में घूरने लगा। आई एम वेरी सॉरी, योर ड्रेस इज स्टेन्ड। मेरा मतलब है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े दागदार हो गए। बेला उस अनजाने गुस्से में घूरते हुए लड़के को देखकर शर्मिंदा होती हुई बोली, इट्स नॉट योर मैटर, कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट मिसिज इबाद। अजलान को अपने कपड़ों के ऊपर कीचड़ के दाग देखकर गुस्सा तो शदीद आया था, मगर वह इस छोटी सी सुनहरी बालों वाली गुड़िया जैसी लड़की के माफ़ी मांगने पर और शर्मिंदा होने पर नरम पड़ता हुआ उससे बोला, अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, मेरा मतलब है कि तुम पढ़ते हो ना। बेला अपनी साइकिल से उतरती हुई अजलान से पूछने लगी, क्योंकि बेला ने उसके आम हुलिए और कपड़ों से यही अंदाज़ा लगाया था कि अंग्रेज़ी में की गई उसकी माजरत ये अनजान लड़का समझ नहीं पाएगा, जभी तो उसने अपनी माजरत का तर्जमा भी साथ ही किया था। ये एक छोटा सा टाउन है, मगर यहाँ के स्कूल्स और टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, अजलान उस छोटी सी लड़की को सादा से अंदाज में बताने लगा, क्योंकि वो जानता था कि ये छोटी सी लड़की उसके आम से कपड़ों को देखकर उसे अनपढ़ समझ रही होगी। जभी वो बेला को अंग्रेज़ी में बताने लगा, क्या तुम अजलान हो? तुम्हें निसार ने भेजा है? नस्वानी आवाज़ पर अजलान नाज़नीन को देखने लगा, जो उसके कीचड़ ज़्यादा कपड़ों को देखकर उससे सवाल कर रही थी। जी मेरा नाम अजलान है, निसार मेरे चचा जान हैं, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मिसिज अबाद को कोई काम था। अजलान अपनी तवज्जा उस छोटी सी लड़की से अब नाज़नीन की तरफ मरकूज़ करता हुआ एतमाद से बोला, मैं ही मिसिज इबाद हूँ अजलान, क्या तुम मुझे करीबी मार्केट तक ले जा सकते हो? दरअसल मैं इस जगह से बिल्कुल नावाकिफ़ हूँ और पेंटिंग मेरा शौक है। मुझे अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि मैं अपने कैनवस और ब्रश न जाने कहाँ रखकर भूल गई हूँ। दरअसल सुबह मैंने निसार को अपना मसला बयान किया था, मगर उसे खुद अपनी तबीयत खराबी की वजह से अस्पताल जाना था, इसीलिए उसने कहा कि आपको मेरा भतीजा अजलान मार्केट तक ले जाएगा। वैसे अब कैसी तबीयत है निसार की? नाज़नीन अजलान को अपना मसला बताने के साथ साथ निसार की तबीयत पूछने लगी, जो उसे तबीयत खराबी का बोलकर छुट्टी लेकर चला गया था। जी अब काफ़ी बेहतर है उनकी तबीयत, क्या मैं अपना लिबास तब्दील करने के बाद आपको मार्केट ले जाऊं, अगर आप लेट नहीं हो रही हो तो? अब अजलान अपने चचा निसार की सुस्त तबीयत के बारे में नाज़नीन को क्या बताता, जो इस वक्त अस्पताल का बहाना बनाकर थड़े पर बैठा हुआ अपने फारिग दोस्तों के साथ सुट्टे लगाकर महंगाई और गुर्बत का रोना रो रहा था। अजलान नाज़नीन को मार्केट ले जाने पर आमादा हो चुका था। बिल्कुल तुम अपना लिबास तब्दील करके आ जाओ। बेला क्या तुमने अपनी गलती की अजलान से माफ़ी मांगी? नाज़नीन अजलान को इजाज़त देती हुई साथ ही अपनी बेटी से पूछने लगी, क्योंकि वो दूर से ही बेला का कीचड़ उड़ाने वाला कारनामा देख चुकी थी। श्योर मामा, आप अजलान से पूछ लें, मैंने इससे अपनी गलती की माफ़ी मांग चुकी हूँ, ना सिर्फ ये मुझे माफ़ कर चुका है बल्कि हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं, है ना अजलान? खामोश खड़ी हुई बेला एकदम से बोली। उसकी बात पर नाज़नीन के साथ साथ अजलान के होठों को भी मुस्कुराहट ने छुआ। वो अपना लिबास तब्दील करने की गर्ज से बराबर में बने अपने क्वार्टर में चला गया। ए नोफ, रुक, कहाँ जा रही है? अदनान अपने ओबाश दोस्तों के साथ चाय के होटल पर बैठा हुआ था। वहाँ से नोफ को गुजरता हुआ देखकर उसके पीछे आकर नोफ को पुकारने लगा, जिसकी वजह से नोफ को रुकना पड़ा। यहीं करीब पंसार की दुकान तक अम्मी ने भेजा था, कुछ सामान चाहिए था उनको, नौफ अपने से बड़े चचा जात को बताने लगी। एक सरसरी नज़र डालने के बाद मुश्किल से ही वो अदनान का चेहरा देखती थी, क्योंकि अदनान उसको देखने की बजाय अजीब तरीके से घूरता था। कम उम्र और ना समझ होने के बावजूद नौफ को अदनान से बात करने में और उसके देखने के अंदाज से कोफ्त महसूस होती थी।
ताई की अक्ल क्या घास चढ़ने चली गई है जो उस कर्मों की दुकान पर इस वक्त तुझे बेच रही है? नशा करके बैठा होगा वो साला। 20 साल अदनान अपनी तायाजात की चमकती दमकती रंगत को घूरता हुआ उससे बोला। अदनान को पूरा यकीन था उसकी तायाजात जवान होकर और भी ज़्यादा गजब ढाने वाली है। अम्मी के घुटनों में दर्द हो रहा था और भाई इस वक्त ट्यूशन देने गए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सामान ले आती हूँ। नौफ को जवाब देते हुए अजीब उबकाई सी आने लगी। अदनान उससे 5 कदम के फासले पर खड़ा हुआ था, उसके बावजूद उसके पास से उठती हुई तेल और पसीने की मिक्स बदबू से नौफ का दिल चाहा कि वो वहाँ से भाग जाए। ताई का तो हर वक्त का यही रोना है, मालूम नहीं उसका कोई पुर्जा सलामत भी है कि नहीं। और वो साला पढ़ाकू तेरा भाई या तो खुद पढ़ाइयाँ करता रहता है या दूसरों को दर्ज देने निकला होता है। एक तेरे और ताया के अलावा घर में कोई ढंग का बंदा नहीं है। चल ये पैसे मुझे दे दे और यहाँ से सीधी घर चली जा, पंसार की दुकान से सारा सामान मैं तुझे लाकर दे दूंगा। अदनान नौफ की मुट्ठी में दबे हुए पैसों को देखकर उससे हमदर्दी करता हुआ बोला। नौफ ने एक नज़र उसके ओबाश दोस्तों पर डाली जो उन दोनों को ही देख रहे थे। मैं खुद ले आऊँगी अदनान भाई, दुकान यहीं 2 कदम पर ही है। नौफ को पूरा यकीन था अगर उसने अदनान को पैसे दे दिए तो आज अदनान अपने ओबाश दोस्तों को चाय इन पैसों से ही पिलाएगा, इसीलिए नौफ आहिस्ता आवाज में मिनमिनाई। क्या बोला तूने मुझे भाई? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, मंगेतर है तू मेरी? तेरे जवान होने का इंतजार कर रहा हूँ फिर ब्याह रचाऊंगा तेरे साथ? ऐसे दीदे फाड़ कर क्या देख रही है, जैसे कुछ मालूम नहीं है तुझे? ला ये पैसे मुझे दे। नौफ के भाई बोलने पर वो बदमजा हुआ था, इसीलिए बचपन की मंगनी याद दिलाने के साथ साथ आगे बढ़कर अदनान ने नौफ की कलाई पकड़कर उसकी मुट्ठी में दबे हुए नोट लेकर अपनी जेब में रख लिए। साथ ही वो अपने मैले कुचैले हाथ में नौफ की उजली कलाई को देखता हुआ बोला, चूड़ियाँ चूड़ियाँ पहनने का शौक नहीं है तुझे? ऐसे खूबसूरत हाथों को यूं ही खाली छोड़ा हुआ है? नौफ ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा जो अदनान के हाथ में था। नौफ का रोहांसी चेहरा देखकर बेढंगा सा कहकहा लगाकर अदनान ने उसका हाथ छोड़ा। परेशान क्यों हो रही है, खा थोड़ी जाऊंगा तुझे? मंगेतर तो ऐसी छेड़छाड़ करते हैं बाबली। अब मेरी बात गौर से सुन, स्कूल जाकर अपने भाई की तरह पढ़ाई करना बंद कर दे, तेरा 12वां साल चढ़ने की देर है, अब्बा से कहकर बीवी बना लूंगा तुझे अपनी। नौफ अदनान की वाहियात नज़रों से बचने के लिए अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर नीचे झुका चुकी थी। अदनान की बातें सुनकर उसे रोना आने लगा। नौफ, अजलान की आवाज़ पर नौफ ने मुड़कर पीछे देखा। अजलान उन दोनों के करीब आ रहा था। नौफ ने खुदा का शुक्र अदा किया। अरे यार कुछ ख्याल किया कर, कर्मों की दुकान पर ताई ने इसको अकेले भेज दिया, जानता नहीं है उसे नशे की आदत पड़ गई है, दिन में भी अफीम चढ़ाए बैठा होता है साला। मैं रास्ते में नहीं मिलता तो ये कर्मों की दुकान पर जाने वाली थी, सामान मैं लाकर दे दूंगा ताई को। अजलान को करीब आता देखकर अदनान दोस्ताना लहजे में अजलान से बोला, घर जाओ नौफ। अदनान की बात का जवाब देने के बजाय अजलान नौफ का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला। नौफ फौरन वहां से चली गई। लाओ अदनान वो पैसे वापस दे दो जो तुमने नौफ से लिए थे, सामान मैं खुद ले आऊँगा। अजलान कोई फालतू बात किए बगैर अदनान की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला तो अदनान ने मुंह बनाकर पैसे उसके हाथ पर रख दिए। अजलान वहां से जाता हुआ अपने बाप के किए गए इस फैसले के बारे में सोचने लगा, जिसमें ना सिर्फ उसकी मासूम बहन का रिश्ता कयूम ने अपने भाई की मोहब्बत में आकर उसके आवारा बेटे से जोड़ दिया था, बल्कि गुल के साथ भी उसका रिश्ता बचपन में तय पा गया था। वाह भाई तुम्हारे हाथ में तो काफ़ी सफाई है, बहुत प्यारी कढ़ाई की है तुमने इस कमीज़ पर। अगर ये कमीज़ शहर में सेल होगी ना तो इस पर अच्छे खासे पैसे तुम कमा सकती हो। लॉन में चेयर पर बैठी हुई नाज़नीन रक्षी की कढ़ाई के डिज़ाइन पर तारीफ करने के साथ साथ उसको मशवरा देती हुई बोली, बस जी ये काम तो मैंने शौकिया सीखा है, अगर आपको मेरे हाथ का काम पसंद आया है तो मैं आपके लिए भी एक कमीज़ तैयार करूँगी। रक्षी खुश होकर बोलती हुई कमीज़ के सैंपल को वापस शॉपर में रखने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया रक्षी, तुम बहुत अच्छी हो, खुशी हुई मुझे तुमसे मिलकर, और तुम्हारा बेटा असलान भी बहुत प्यारा है और समझदार बच्चा है बहुत। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम और कयूम अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहे हो। नाज़नीन अपने सामने बैठी हुई रक्षी से बोलती हुई सोच रही थी कि वो अपने कज़न जिसका शहर में बुटीक है उसके पास रक्षी के हाथ के तैयार करदा कुछ सैंपल भेज दें ताकि रक्षी की मेहनत वसूल हो जाए। अजलान के अलावा मेरी एक बेटी भी है, वो भी माशाल्लाह से स्कूल जाती है। मेरा तो ख्वाब है मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख कर बाशऊर इंसान बन जाएं।
रक्षी खुशी खुशी नोफ के बारे में नासनीन को बताने लगी। हाँ, कयूम ने जिक्र तो किया था, लेकिन कभी तुम्हारी बेटी को देखा नहीं मैंने। नासनीन रक्षी से नोफ के बारे में पूछने लगी। अजलान नासनीन के कहने पर मार्केट गया हुआ था, उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। वैसे तो ये सारे काम निसार के थे, मगर वो बहुत कम ही यहाँ पर टिकता था। अक्सर कामों के लिए अजलान को नासनीन के पास भेज देता था। बस जी, बहुत सीधी और शर्मीली सी है मेरी बेटी, स्कूल से घर आती हैं तो बाहर नहीं निकलती, लेकिन आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊँगी अपनी नोक को, रक्षी खुश होकर नासनीन को बता रही थी। तब नासनीन की नज़र कार से उतरते हुए इबाद पर पड़ी, जो दूर से ही नासनीन को कयूम की बीवी के साथ बैठा हुआ देख चुका था। तुमने यहाँ आकर भी वही पुराने काम शुरू कर दिए हैं नासनीन, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों तुम्हें ऐसे लोगों को देखकर हमदर्दी करने का बुखार चढ़ जाता है। तुम हर वक्त मदर टेरेसा क्यों बनी रहती हो? इबाद नासनीन के पास आकर कयूम की बीवी का लिहाज किए बगैर बोला। इबाद प्लीज़। रक्षी के सामने इस तरह इबाद के बोलने पर नासनीन अच्छी खासी शर्मिंदा होती हुई इबाद से बोली, क्या यार, अगर तुम बोर होती हो तो अपने लिए कोई दूसरी एक्टिविटी ढूंढो। यू काम करने वाले नौकरों को अपने साथ बिठाने से मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें कौन सा सुकून मिलता है। नासनीन के आंखों ही आंखों में मना करने के बावजूद इबाद बिना लिहाज किए हुए दोबारा बोला, जिस पर रक्षी शर्मिंदा होती हुई कुर्सी से उठी। अच्छा बेगम साहिबा, अब इजाज़त दे, मैं चलती हूँ। रक्षी अपना समूह लेकर बोली और टेबल पर रखा शॉपर उठाती हुई वहाँ से जाने लगी, जिस पर नासनीन अफसोस करती हुई इबाद को देखने लगी। सिर्फ काम करने के औकात में यहाँ आया करो, फजूल में यहाँ रश लगाने की ज़रूरत नहीं है। इबाद की आवाज़ पर सिर्फ एक लम्हे के लिए रक्षी के कदम रुके, फिर वो तेज़ कदम उठाती वहाँ से चली गई। इनफ इबाद, नासनीन के बोलने पर इबाद नासनीन को घूरता हुआ बोला, शट अप, रूम में चलो। इबाद वहाँ से घर के अंदर जा चुका था। नासनीन अफसोस करती हुई इबाद के पीछे जाने लगी। वैसे बहुत अफसोस की बात है इबाद, जो आपने कयूम की बीवी के सामने ही बिहेव किया है ना, वो बहुत ही बुरा था। न जाने वो क्या सोचेगी अपने घर जाकर। कमरे में आने के साथ ही नासनीन इबाद से शिकवा करती हुई बोली। तो इबाद का टाई की नॉट ढीली करता हुआ हाथ रुक गया। वो चलता हुआ नासनीन के पास आया। तुम्हें अभी भी कयूम की बीवी की फिक्र है कि वो क्या सोचेगी? तुम्हें ये परवाह होनी चाहिए कि तुम्हारा शौहर क्या बकवास करता रहता है। समझ में क्यों नहीं आता तुम्हें? नासनीन के इन छोटे लोगों को इनकी औकात में रखना चाहिए, वरना ये लोग अपनी औकात दिखाने में देर नहीं लगाते। इबाद नासनीन को समझाता हुआ बोला, मुझे कयूम की बीवी की फिक्र इसीलिए है क्योंकि उसका दिल आपकी बातों की वजह से दुखा है। और औकात की बात बीच में कहाँ से आ गई इबाद? अल्लाह ताला के नज़दीक तो आपकी, मेरी और कयूम की बीवी की औकात बराबर ही है। गरीबों को पैदा करने वाली ज़ात कोई अलग तो नहीं है। इंसान को इतना गरूर भी नहीं करना चाहिए। नासनीन की बात पर इबाद एकदम तेज़ आवाज़ में बोला, बहस मत किया करो नासनीन मेरे सामने बिला वजह की। तुम्हें अगर अपने स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं है तो मेरे स्टैंडर्ड का ख्याल किया करो। आइंदा मैं तुम्हें इन छोटे लोगों के मुँह लगते हुए ना देखूँ। ये बात गुस्से में टाई सोफे पर फेंकता हुआ वॉशरूम में चला गया। नासनीन कमरे से बाहर निकलने लगी तो कमरे से बाहर अजलान को खड़ा देखकर ठिठक गई। नासनीन का मंगाया हुआ सामान उसके हाथ में मौजूद था। वह बिल्कुल खामोश खड़ा नासनीन को देख रहा था। उनको ढेरों शर्मिंदगी ने आन घेरा। अजलान का खजालत से सुर्ख चेहरा साफ बता रहा था कि वो इबाद की सारी बातें सुन चुका था। वो नासनीन को कुछ भी बोले बगैर उनका सामान टेबल पर रख कर वहाँ से चला गया। वो 5-स्टार होटल में बैठा हुआ पिछले 1 घंटे से ताशफा का इंतज़ार कर रहा था। ताशफा से उसकी 6 माह कबल मोइज़ ब्रैकेट दोस्त के तवस्सुत से मुलाकात हुई थी, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि मोइज़ ने ख़ुद उसकी ताशफा से मुलाकात करवाई थी। ताशफा मोइज़ की कज़न थी, जो 1 साल पहले अमेरिका से पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी। खूबसूरत, मॉडर्न और बोल्ड सी ताशफा, जो काफ़ी हद तक मूडी तबीयत रखती थी, मगर उसको अच्छी लगी थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी और ताशफा की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, उसको ताशफा के ख्यालात जानकर मायूसी हुई थी। बकौल मोइज़ के, उसने अपनी आधी लाइफ, मतलब जवानी के वो दिन जब लड़के इंजॉयमेंट में गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उसने वो उम्र अपनी फैमिली और घरेलू मसलों की नज़र कर दी। अब 28 साल की उम्र में उसको अपने मुतल्लिक सोचना चाहिए था। अक्सर वो खुद भी कभी कभार अपने इर्द गिर्द जमा परेशानियों से घबरा कर ख्वाहिश करता कि कोई एक ऐसा वजूद हो जिसके सामने वो अपना आप खोल दे
कोई उसके अकेलेपन का साथी हो जिसके वजूद में खोकर वह थोड़ी देर के लिए ही सही अपनी तमाम परेशानियों से जान छुड़ा ले। लेकिन जिस तरह ताशफा की नेचर थी उससे ऐसी कोई उम्मीद लगाना बेकार था। सॉरी डार्लिंग, तुम्हें वेट करना पड़ा, दरअसल आज जिमी की वैक्सीन करवानी थी, उसके बाद ब्यूटी सैलून में मेरा अपॉइंटमेंट था सो लेट हो गई। एनीवेज, हाउ आर यू? हम पूरे 2 माह बाद मिल रहे हैं, तुमने मुझे मिस तो बहुत किया होगा इन 2 माह में। मॉडर्न सी ताशफा बेबाक से लिबास में उसके सामने कुर्सी पर बैठी हुई उससे कॉन्फिडेंस से पूछ रही थी। जिमी ताशफा की पर्शियन बिल्ली थी जिसने उसकी तरह ताशफा की ज़िंदगी में चंद माह से काफ़ी अहमियत हासिल कर ली थी। ताशफा 2 माह कबल पाकिस्तान टूर पर गई थी, उसने पूरी कोशिश की थी कि वो भी उसके हमराह उस सफ़र को इंजॉय करता, मगर वो अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर भाग नहीं सकता था। बेट, तो मैं शुरू से ही तुम्हारा करता आया हूँ, जब भी हमारे मिलने का डिसाइड होता है मुझे नहीं याद पड़ता कभी तुम टाइम पर आई हो। खैर ये बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं किया होगा तुमने। आज सुबह ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने के चक्कर में उसने नाश्ता भी ढंग से नहीं किया था, इसीलिए मेन्यू कार्ड उठाकर ताशफा की बात का जवाब देता हुआ बोला, जिस पर ताशफा खूबसूरती से मुस्कुराई। सच बताऊँ तो मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया, जब मैं पाकिस्तान आई थी तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था यहाँ इतने खूबसूरत और हसीन जगह होंगी। ये ट्रिप एक खुशगवार और यादगार ट्रिप रहेगा मेरे लिए, मैं उम्मीद करूँगी अगला ऐसा ही ट्रिप हम दोनों इकट्ठे इंजॉय करें। ताशफा उसको देखकर मुस्कुराती हुई एक अदा से बोली। वो ताशफा का खूबसूरत चेहरा देखने लगा जो खूबसूरत होने के बावजूद उसे अक्सर बनावटी और आर्टिफिशियल सा महसूस होता था, और ऐसे ही ताशफा की फीलिंग्स का हाल था जिसमें खालिस्पन ढूंढने से भी नहीं मिलता। उसने ताशफा की बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा बल्कि उसे यहाँ बुलवाने की असल वजह पर आया। ताशफा, मैंने तुम्हें यहाँ पर आज एक बहुत ख़ास बात करने के लिए बुलाया है। यूँ रोज़ रोज़ होटलिंग करना मुझे पसंद नहीं, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इन खुराफात के लिए वक्त निकाल सकूं। 6 माह से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मेरे ख्याल में अब हम दोनों को सीरियस होकर कोई स्टेप लेना चाहिए शादी के मुतालिक। वो ताशफा को देखकर नहायत संजीदगी से बोला। जिस तरह इस वक्त उसके घर की सूरत हाल थी उसे लगा था कि अब उसको शादी कर लेनी चाहिए, मगर ताशफा उसकी बात सुनकर पहले तो सीरियस होकर उसे देखने लगी, लेकिन अचानक ही उसने ज़ोरदार कहकहा लगाया जैसे ताशफा ने उसकी बात को बहुत इंजॉय किया हो। अच्छा सॉरी, ताशफा ने महसूस किया जैसे उसके हंसने पर उसे बुरा लगा हो, जब ही ताशफा उससे मासरत करती हुई अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगी। मुझे नहीं मालूम था डार्लिंग मेरी 2 माह की जुदाई तुम पर इतना असर करेगी, ये तुम डायरेक्ट मुझे शादी की ऑफर ही कर दोगे, ताशफा सीरियस होकर बोली, मगर एक बार फिर हंसने लगी तो अब उसे गुस्सा आने लगा। ताशफा, बी सीरियस। उसके तासुरात देखकर ताशफा को अब की बार वाकई सीरियस होना पड़ा। देखो हमारे रिलेशन को मुश्किल से ही 6 माह हुए हैं, पूरा साल भी नहीं गुजरा जो शादी जैसा बोल्ड स्टेप, मुझे नहीं लगता कि हमें उसके बारे में अभी से सोचना चाहिए, लेकिन अगर तुम जल्दी शादी चाहते हो तो इससे पहले तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे को बेहद करीब से देख लेना चाहिए? ताशफा की बात पर वो थोड़ा अजीब अंदाज में उसको देखने लगा, जिस पर ताशफा दोबारा बोली, मेरा मतलब है हमें कम से कम 1 माह के लिए कोई घर या अपार्टमेंट शेयर करना चाहिए, जब हम दोनों एक दूसरे को करीब से देखेंगे, एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतों से मजाज से वाकिफ होंगे, तभी हम शादी जैसा स्टेप ले सकते हैं। ताशफा अब की बार सीरियस होकर उसको बोली। वो समझ गया था एक दूसरे को करीब से देखने का क्या मतलब है। उसे ताशफा के मजीद ख्यालात को जानकर और भी ज़्यादा मायूसी हुई। और 1 माह बाद तुम्हें लगा कि हमारे मजाज और आदतें एक दूसरे से नहीं मिलती, तो मेरा रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग, राइट? वो ताशफा को देखता हुआ उससे पूछने लगा। अचानक उसकी भूख मर गई थी, ऑर्डर लेने के लिए पास आते हुए वेटर को उसने दूर से ही इशारा करके रोका। मुझे ही क्यों, 1 माह बाद तुम्हें भी ऐसा लग सकता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते? ताशफा कंधे उचकाकर उससे बोली। 6 माह के रिलेशन में उसे अपने सामने बैठा ये मर्द काफ़ी इनरोमांटिक रूखा फीका सा लगा था। 1 माह बाद नहीं, मुझे ऐसा अभी से लगता है हम दोनों ज़िंदगी भर वाकई एक दूसरे के साथ आगे नहीं चल सकते। यूँ चंद दिनों के लिए एक दूसरे के साथ रहकर करीब से देखने वाली फॉर्मेलिटी को रहने ही देना चाहिए।
जिस दिन तुमने मुझसे ये बात बोली थी कि शादी के कम अज़ कम 6 साल तक तुम्हें कोई बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा फिगर का शेप ख़राब होगा। अगर तभी तुम अपार्टमेंट शेयर करने वाले अपने ख्यालात का भी इजहार करती तो शायद हमारा रिलेशन 6 माह भी मुश्किल से कायम रहता, क्योंकि मेरे नज़दीक कम अज़ कम एक लड़की को इतना गया गुजरा नहीं होना चाहिए कि वो मर्द के आगे चादर की तरह बिछ जाए। वो ताशवा पर अपने ख्यालात का इजहार करके उठकर वहाँ से चला गया। उसे नहीं लगता कि अब ताशवा उससे दोबारा रابطہ करेगी, और वह खुद भी यही चाहता था। नफ्सियाती मर्द, ताशवा बुड़बुड़ाई और मेन्यू कार्ड उठाकर अपने लिए ऑर्डर करने लगी। तू क्या हर वक्त आईने के सामने खड़ी अपना गोल मटोल सा चेहरा देखकर बिला वजह खुश होती रहती है? जा जाकर चाय बनाकर ला मेरे लिए। निसार के बोलने पर आईने के सामने खड़ी गज़ल ने मुड़कर खूनख्वार नज़रों से अपने शौहर को देखा। देख निसार, मेरे हुसन से जल कर मेरे मुँह न लग, मैं बता रही हूँ, अब की बार अगर मैं तेरा घर छोड़ कर मैके जा बैठी तो तू लाख अपनी नाक रगड़ ले, मैं वापस नहीं आऊँगी, बता रही हूँ पहले ही तुझे। गज़ल की धमकी देने पर निसार ने उसके बेडोल सरापे और सांवले रंग में हुसन जैसी चीज़ ढूंढने की कोशिश की, और फिर ज़ोर से हंसता हुआ उसकी धमकी पर गौर करने लगा। भैंस जैसी जिसामत रख कर तेरी अक्ल भी अपनी जिसामत से मेल खाने लगी है? अरे बेवकूफ़, समझा हुआ है क्या मुझे? तूने जो मैं तेरे मैके जाने के बाद तुझे वापस अपने घर में अपना सुकून बर्बाद करने के लिए लाऊँगा? अल्लाह भला करे मेरे भाई का जो हर बार बीच झगड़े में पड़कर तुझे मैके से वापस ले आता है। हर वक्त आईने के सामने खड़े होकर अपने मुंह पर पाउडर मलने की बजाय अपनी औलादों पर ध्यान दे। बेटे ने माशाल्लाह 4 जमातें फेल होने के बाद मवाली किस्म के लड़कों में उठना बैठना शुरू कर दिया है, और वो गुल मोहल्ले की रखो खाला बनकर हर घर की सुन गुन रखने लगी है। बच्चियों वाली तो उसमें कोई बात ही नज़र नहीं आती, छोटी उम्र में ही औरत बन गई है पूरी। निसार अपने बच्चों की तरफ से फिक्रमंद होता हुआ गज़ल का ध्यान बच्चों की तरफ दिलाने लगा। तो जैसा बाप वैसी औलाद, तूने कौन से तीर मार लिए हैं दुनिया में आकर? बोझ की तरह हमारी जिंदगियों पर मुसल्लत ही रहा है तू हमेशा। अब तक कोई 25 नौकरियों पर तेरा भाई तुझे लगा चुका है मज्जाल है जो कहीं पर भी मुस्तकिल मजाजी से टिककर काम किया हो तूने? अगर तेरा भाई तेरे लिए फिक्रमंद ना होता तूने तो हमको सड़कों पर ही बिठा दिया होता। वो तो शुक्र है अदी और गुल के लिए मुस्तकबिल के लिए मुझे जलील नहीं होना पड़ेगा। अरे असल ज़िंदगी तो मेरी बर्बाद हो चुकी है तुझ जैसे निखट्टू आदमी से शादी करके। हुसन बरकरार है मगर किस्मत देखो मेरी। गज़ल अपने हुसन की नाकदरी पर आंसू बहाती हुई किचन में निसार के लिए चाय बनाने चली गई, जबकि निसार अपने लिए तोहीन आमेज़ गुफ्तगु सुनकर वहीं से चीख कर बोला, ये साला कौन सा हुस्न है जो मुझ अंधे को नज़र नहीं आया? 2 बच्चे पैदा करने के बाद तेरे जिस्म पर चर्बी ने तेरे हुस्न को और 4 चांद लगा दिए हैं। नाम भी देखो माँ बाप ने चुन कर रखा है गज़ल। अरे तू तो शायर की वो गज़ल महसूस होती है जो उसने मुँह से बयान ना की हो बल्कि मुँह पर दे मारी हो। निसार ज़ोर ज़ोर से बोलता हुआ घर का बचता हुआ दरवाज़ा खोलने चला गया। लॉन में मौजूद झूले पर टैडी बियर को गोद में लिए बैठी बेला की नज़रें मेन गेट से अंदर आते हुए अजलान पर गईं, जो पूरे 1 हफ्ते बाद उसको अपने घर में आता हुआ दिखाई दिया। बेला गोद में बैठे टैडी को झूले पर बिठाकर दौड़ती हुई अजलान के पास चली आई। रुको, अरे सुनो, मैं तुमसे बोल रही हूँ अजलान। अपनी पुश्त से आती बेला की आवाज़ को नज़रअंदाज करके वो घर के अंदर निसार के बुलाने पर आया था, मगर जब बेला ने उसको नाम से पुकारा तो अजलान को रुकना पड़ा। कोई काम था क्या तुम्हें मुझसे? अजलान के रुकने पर भागकर उसके पास आते हुए बेला का सांस फूल चुका था। वो रुककर अजलान को देखने लगी तो अजलान बेला से पूछने लगा, इतने दिनों से तुम कहाँ गायब थे? चक्कर क्यों नहीं लगाया तुमने हमारी तरफ? बेला अजलान को देखती हुई उससे पूछने लगी, मैं यहाँ मिसिस आबाद के काम से आता हूँ। वैसे तो मिसिस आबाद का या फिर इस बंगले में रहने वाले किसी भी फर्द का काम करना मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है, लेकिन चचा जान मेरे बड़े हैं, उन्हें मैं किसी काम का भी इनकार नहीं कर सकता, तो मुरव्वतन मुझे वो काम करना पड़ता है। तुम्हें अगर मुझसे कोई काम हो तो मुझे मुखातिब किया करो। अजलान इबाद की बातें याद करता हुआ रूखे लहजे में बेला से बोलकर वहाँ से जाने लगा, तो तुमने उस दिन वाली बात पर मेरी सॉरी अभी तक एक्सेप्ट नहीं की, जबकि उस दिन तुम्हारे कपड़े मैंने जानबूझकर ख़राब नहीं किए थे अजलान। बेला अजलान को जाता हुआ देखकर मासूमियत से बोली, जिस पर अजलान को रुकना पड़ा।
तुम जैसे बड़े लोग तो हमारे कपड़े 10 बार ख़राब करके भी सॉरी ना बोलो तो भी हम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं। तुम एक सॉरी के लिए परेशान हो रही हो, असलान मुस्कुरा कर सर झटकता हुआ बोला। यह हम दोनों की दोस्ती के बीच में छोटे बड़े लोग कैसे आ गए असलान? बैला हैरत से असलान को देखती हुई पूछने लगी, तुमसे मेरी दोस्ती कब हुई? ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। असलान गौर से बैला का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछने लगा, तो इसका मतलब है तुमने उस दिन मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट नहीं किया था? बैला अफसोस करती हुई असलान से पूछने लगी। तो असलान को बैला के बोले हुए जुमले याद आए जब वो नाज़नीन को बता रही थी कि असलान उसकी सॉरी भी एक्सेप्ट कर चुका है और उसका दोस्त भी बन चुका है। तुम्हें कम अज़ कम दोस्त बनाने से पहले अपने फादर से परमिशन लेनी चाहिए, शायद उन्हें तुम्हारा मुझसे दोस्ती करना पसंद नहीं आएगा। असलान उस सुनहरी बालों वाली सफ़ेद गुड़िया का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए उसको समझाता हुआ बोला। दूसरा, वो हफ्ते भर पहले इबाद के ख्यालात भी जान चुका था। मैंने शुरू से ही बहुत कम दोस्त बनाए हैं और मेरे किसी भी फ्रेंड से मेरे बाबा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। वो तुमको भी पसंद करेंगे जब मैं उनको बताऊंगी कि तुम मेरे फ्रेंड हो, बैला एतमाद से अजलान को देखकर बोली। मगर तुम मुझसे दोस्ती करने पर बजिद क्यों हो जबकि मैं तुमसे अच्छा खासा बड़ा हूँ? असलान कन्फ्यूज़ होकर बैला से सवाल करने लगा। दूसरा, उसने पहले कभी किसी लड़की से दोस्ती भी नहीं की थी। अच्छे खासे बड़े तो नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा भाई के बराबर होगे ना? दोस्ती में ये बात थोड़ी ना मैटर करती है कि एज ज़्यादा हो या फिर कम हो, और मैं तुम्हें अपना दोस्त इसीलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो, बैला ने जवाब पेश करने के साथ ही अजलान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसे देखकर कुछ सोचते हुए अजलान ने थोड़ा झिझक कर थाम लिया, क्योंकि वो जिस क्लास से ताल्लुक़ रखता है यहाँ लड़के लड़कियों की दोस्ती को किसी और मायने में लिया जाता था, जबकि उसको अंदाज़ा था बैला को एजुकेशन में पढ़ती होगी। उसके नज़दीक एक लड़का और लड़की की दोस्ती का मतलब सिर्फ दोस्ती ही है। तुम्हारे हाथ हद से ज़्यादा ठंडे हैं, क्या तुमने ऐसा सुना है जिनके हाथ ठंडे हों उनके खून में वफा नहीं होती? बैला अजलान के सर्द हाथ की ठंडक महसूस करके उससे बोली, ये सब फजूल की बातें हैं। मौसम का दर्जा हरारत जब इंसान की बॉडी पर असर अंदाज होता है तो उसके मुताबिक इंसान की बॉडी का दर्जा हरारत भी तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर तुम वफा की बात कर रही हो तो आगे जाकर तुम्हें एतबार हो जाएगा कि दोस्ती में आखिरी हद तक वफा कौन निभाता है। अजलान ने बोलते हुए बैला का हाथ छोड़ा तो वो स्माइल देकर अजलान को देखने लगी। बैला को उसकी बात तो समझ नहीं आई थी, मगर उसे अजलान को दोस्त बनाने की खुशी थी। जबकि अजलान घर के अंदर निसार के पास चला गया। अरे वाह, तुम सब तो बहुत जल्दी बड़े हो गए हो, लगता है पानी वानी टाइम पर मिल रहा है तुम सबको। नौ सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकली तो बराबर में बंगले का दरवाज़ा खुला देख कर लॉन में आ गई। 2 माह से उसने इस जगह का रुख नहीं किया था, लेकिन आज कयूम के लगाए हुए पौधों को देखकर उसका दिल चाहा। वो करीब से उनमें लगे फूलों को देखे तो उनके पास चली आई। इस वक्त वो पौधों के साथ बातें करने में मगन थी जब अपने कमरे की खिड़की से इफ्राहिम की नज़र एक अजनबी लड़की पर पड़ी जो बेधड़क उसके घर में दाखिल होकर पौधों के पास खड़ी थी। इफ्राहिम कमरे से बाहर निकल कर लॉन में आने लगा। नन्नी कली, तुम बहुत जल्द एक प्यारे से फूल की शक्ल इख्तियार कर लोगी, मुझे इंतज़ार रहेगा उस दिन का। नौफ पौधों के पास खड़ी हुई उनसे बातें करने में इतनी मशगूल थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसके ताकुब में उसके पास आ रहा है। खपटदार, जो तुमने इस फूल को तोड़ने की कोशिश की तो? इब्राहिम उसके पास आता हुआ रोबदार लहजे में नौफ से बोला तो वो एकदम शौक से अपना हाथ हटाकर जल्दी से मुड़ी, जहाँ इब्राहिम खड़ा नौफ को घूर रहा था। मैं इसे तोड़ नहीं रही थी बल्कि करीब से देख रही थी। नौफ गुस्से में भरे उस लड़के को देखकर आहिस्ता आवाज़ में अपनी सफाई देती हुई बोली और अपना सर झुका लिया। क्या ये पौधे तुम्हारे बाप ने लगाए हैं जो तुम इन्हें करीब से देख रही थी? इब्राहिम अपने सामने मुजरिमों की तरह सर झुकाए इस लड़की को देखता हुआ पूछने लगा तो नौफ हल्का सा सर उठाकर गुस्सा करने वाले इस लड़के को देखने लगी जो मगरूर नक्श के साथ उसे तबीयत का भी मगरूर ही लगा था। जी, ये पौधे मेरे अब्बू जी ने ही यहाँ लगाए हैं, नौफ आहिस्ता से बोलती हुई वहाँ से जाने लगी। ए रुको, क्या बकवास करके जा रही हो तुम? हिम्मत कैसे की तुमने मुझे जवाब देने की? एक तो तुम इस बंगले में चोरी करने की नीयत से अंदर आई और जब पकड़ी गई हो तो उल्टा जबान चला रही हो मेरे आगे। इब्राहिम के करख लहजे और चोरी के इल्ज़ाम पर नौफ की आँखें लबालब आंसुओं से भर गईं।
ना ही मैंने आपसे जबान चलाई है, ना ही कोई झूठ बोला है। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पौधे मेरे अब्बू जी ने ही लगाए हैं। वो ज़ोर से अपनी हथेली को आंखों पर रगड़ती हुई बोली। तब इब्राहिम को समझ में आया कि वो लड़की कौन हो सकती है। अच्छा, तो तुम निसार की बेटी हो। एक नंबर का काहिल, सुस्त, निकम्मा, कामचोर इंसान है तुम्हारा बाप, जो ज़रा ज़रा से कामों पर बहाना बनाकर हमें टोपी करवाता हुआ यहाँ से फरार हो जाता है और बदले में सारे काम अपने भतीजे से करवाता है। क्योंकि निसार ने 2 से 3 बार उसको भी टोपी करवाई थी, इसीलिए इब्राहिम ने अपने सामने खड़ी उस दब्बों सी लड़की को उसके बाप की असलियत बताना ज़रूरी समझा। निसार मेरे चचा जान हैं, अब्बू जी का नाम तो कयूम है, जो यहाँ पर ड्राइवर हैं। वो चचा जान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, नौफ को ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। मगर अजली बुजदिली की वजह से वो इब्राहिम को कुछ भी नहीं बोली, सिर्फ सही रिश्ता बताकर उसकी गलतफहमी दूर की। बाप, चचा, भाई, माशाल्लाह से पूरा ख़ानदान ही गुलाम है। इब्राहिम का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था, जिस पर नौफ सर उठाकर सुर्ख आँखों से उस मगरूर लड़के को देखने लगी। रोने की वजह से उसकी आँखें भी सुर्ख हो चुकी थीं। घूर कर क्या देख रही हो मुझे? कौन सी गलत बात बोली है? वापस झुकाओ अपना सर, और खबरदार जो आइंदा तुमने मेरे सामने सर उठाकर मुझे जवाब दिया तो। इब्राहिम को अब उस दब्बों सी लड़की पर रोब जमा कर मज़ा आ रहा था, जब ही वो तेज़ लहजे में बोला, जिस पर नौफ ने जल्दी से वापस अपना सर झुका लिया। हमें तो यहाँ आए 2 माह हो चुके हैं, पहले तो कभी नज़र नहीं आई तुम। इब्राहिम नौफ के झुके हुए सर को देखकर तजस्सुस से सवाल करने लगा, क्योंकि उसने आज से पहले इस लड़की को यहाँ पर कभी भी नहीं देखा था। घर में ही गुजरता है मेरा ज़्यादातर वक्त, अम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाते हुए। नौफ उसको ये नहीं बता सकी कि वो रोज़ शाम को उसको ट्रैक सूट में जॉगिंग करता हुआ अपने कमरे की खिड़की से देखती थी, बस सादगी से अपने बारे में बताने लगी। शक्ल है कहाँ तुम्हारे पास बाहर निकलने वाली? इस शक्ल को लेकर घर से बाहर निकलने से बेहतर है कि घर में ही रहो तो। इब्राहिम उसकी अच्छी खासी शक्ल व सूरत पर टॉन्ट करता हुआ बोला। तो एहसास तोहीन से नौफ ने ज़रा सा सर उठाकर उस मगरूर लड़के को देखा, क्योंकि बचपन से अब तक अपने माँ बाप के अलावा भी मोहल्ले की खवातीन और दोस्तों से अपनी सूरत को लेकर हमेशा तारीफें ही सुनी थीं। तुमने फिर अपना सर उठाया मेरे सामने, वापस झुकाओ अपना सर। नौफ के सर उठाने पर इब्राहिम उसको डांटता हुआ बोला, जिस पर नौफ जल्दी से अपना सर झुका गई। उसकी हरकत पर इब्राहिम के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ। इब्राहिम को ऐसे नौफ को डराने में मज़ा आने लगा। मैं घर जाना चाहती हूँ, यूं सर झुकाए वो अपने सामने उसको न जाने कब तक खड़ा रखता, इसीलिए नौफ आहिस्ता आवाज़ में इब्राहिम से बोली, क्यों जाना है तुम्हें अपने घर? इब्राहिम रोबदार लहजे में उसके झुके हुए सर को देखकर पूछने लगा। अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। नौफ ने उस मगरूर लड़के के सामने अब भी सर उठाने की कोशिश नहीं की थी। और कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, कल तुम इसी टाइम पर मुझे इसी जगह लॉन में नज़र आओगी। तुम्हारे चचा जान को तो कुछ आता नहीं है, कल तुम यहाँ आकर पूरे लॉन की सफाई करोगी, सुना तुमने? इब्राहिम नौफ पर हुक्म सादिर करता हुआ बोला, जिस पर नौफ के पास इकरार में अपना झुका हुआ सर हिलाने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब यूँ बेवकूफ़ों की तरह क्यों खड़ी हो, जाओ अपने घर। इब्राहिम के बोलने की देर थी नौफ वहाँ से भागती हुई गेट से बाहर निकल गई, और साथ ही उसने तहैया कर लिया था कि वो अब यहाँ कभी भी नहीं आएगी। रोहेल को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक खाली कमरे में मौजूद पाया, जहां मेज़ के सामने खाली कुर्सी मौजूद थी, जबकि दूसरी कुर्सी पर वह खुद बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथों को रस्सी से मजबूती से बांधा गया था। उसे याद पड़ता था कि वह आज सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए अपनी गाड़ी में घर से बाहर निकला था, मगर गाड़ी रास्ते में ख़राब होने की वजह से उसे टैक्सी करवानी पड़ी, और अचानक बीच रास्ते में टैक्सी रुकी और एक अजनबी शख्स उस टैक्सी में बैठा। इससे पहले कि रोहेल उस ट्रक से कोई बात करता, उसने रोहेल की गर्दन में एक इंजेक्शन खोप दिया, जिसके बाद रोहेल को अब होश आया था। कौन हो तुम, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रोहेल होश में आने के बाद 27-28 साल उस शख्स से पूछने लगा जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था। वो शख्स चलता हुआ रोहेल के पास आया और उसकी कुर्सी का रुख अपनी सिमत करता हुआ अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालने लगा। ये लड़की इस वक्त कहाँ मौजूद है? वो शख्स अपने मोबाइल की स्क्रीन रोहेल के सामने करता हुआ उससे पूछने लगा। रोहेल उस लड़की को पहचान चुका था, जो चंद दिन पहले रूबी ने उसके फ्लैट पर भेजी थी, मगर वो अनजान बनता हुआ उससे बोला,
कौन है ये लड़की, मुझे क्या पता, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। रोहेल की बात सुनकर उस शख्स ने मोबाइल टेबल पर रखा और अचानक ही रोहेल के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ की शिद्दत से ना सिर्फ रोहेल बिलबिला उठा बल्कि उसकी कुर्सी का भी तवाज़न बरकरार नहीं रह सका। कुर्सी से हाथ बंधे होने की वजह से रोहेल कुर्सी समेत ज़मीन पर गिर गया। तुम्हारा जवाब अब भी यही है, क्या तुम वाकई इस लड़की को नहीं जानते? वो शख्स झुककर रोहेल के बालों को पकड़ता हुआ उसका चेहरा ऊपर करके एक बार फिर पूछने लगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वाकई इस लड़की को नहीं जानता। रोहेल का जवाब सुनकर उस शख्स ने रोहेल के बालों को यूं ही अपने हाथ की मुट्ठी में जकड़कर बालों के ज़ोर से कुर्सी को उठाया और वापस उसी जगह पर खड़ा किया, जिससे रोहेल के मुंह से दर्दनाक चीखें निकल पड़ी। मेरी मालूमात के मुताबिक तुमने इस लड़की को एक रात के लिए हायर किया था, उसके बाद ये लड़की कहीं भी नहीं देखी गई। इस लड़की को तुमने जहाँ कहीं भी छुपाया हुआ है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो रोहेल मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम उस अज़ियत को सहने से बेहतर मरना पसंद करोगे। जवाब तो कहाँ है ये लड़की? वह शख्स गुस्से में रोहेल को देखता हुआ एक बार फिर पूछने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए, क्या करे, कैसे उसको कहीं से ढूंढ निकाले। इस वक्त उसकी बेबसी आसमानों को छू रही थी। रोहेल के खामोश रहने पर उसने एक बार फिर रोहेल के मुंह पर पूरी ताकत से तमाचा मारा। रोहेल एक बार फिर कुर्सी समेत ज़मीन पर जा गिरा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं वाकई इस लड़की को नहीं जानता। अब की बार पड़ने वाला थप्पड़ पहले से भी ज़्यादा शिद्दत का था, जिससे रोहेल के गाल के साथ उसके कान भी सुर्ख हो गए और नाक से खून बहने लगा। इस लड़की को और उन दो बच्चों को तुम जानते हो ना? वो शख्स टेबल से अपना मोबाइल उठाकर एक बार फिर झुककर रोहेल के चेहरे के आगे मोबाइल की स्क्रीन करता हुआ उससे पूछने लगा। रोहेल ने अब की बार स्क्रीन की तरफ देखा। हीरा, बेसाख्ता उसके मुंह से अपनी बीवी का नाम निकला। वो तस्वीर उसकी बीवी और दोनों बच्चों की थी। चंद दिनों पहले रूबी ने उस लड़की को मेरे फ्लैट पर भेजा था। मैंने उस लड़की के लिए रूबी को 5 लाख रुपये एक रात के लिए दिए थे, मगर ये लड़की उस रात मेरे फ्लैट से फरार हो गई थी। रूबी खुद भी इस लड़की की तलाश में है। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने उस रात उस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया था और ना ही ये जानता हूँ कि ये लड़की इस वक्त कहाँ पर है। मेरा यकीन करो, मैं अब की बार बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। प्लीज़ मेरी बीवी और बच्चों को कुछ मत करना, रोहेल बोलता हुआ बेबसी से दहाड़े मारकर ज़ोरों से रो पड़ा। तो वह शख्स कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। अपना सर दोनों हाथों में थामे सोफे पर बैठा हुआ उसका अपना भी दिल किया कि वो रोहेल की तरह धाड़े मारकर ज़ोर ज़ोर से रोए। न जाने वो इस वक्त कहाँ थी, किस हाल में थी। जब उसको मालूम हुआ था कि वो रूबी के हाथ लग गई है, जो सोसाइटी में एक नायिका की हैसियत रखती है, तो एक पल के लिए उसे महसूस हुआ था जैसे उसके जिस्म से रूह खींच ली गई हो। रूबी के ठिकाने पर पहुंचकर उसने एक एक लड़की में उसको तलाशा, मगर वो उन लड़कियों में मौजूद नहीं थी। तब उसे रोहेल का मालूम हुआ, मगर यहाँ भी उसका पता नहीं चल सका। वो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया था। इन दिनों वो जिस अज़ियत से गुजर रहा था उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता था, मगर उसे हिम्मत से काम लेना था। अपनी आंखों में आंसुओं को गालों पर उतरने से पहले साफ करता हुआ वो सोफे से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। ए पागल बिल्ले, ये जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, ज़रा मेरी कुछ मदद ही कर दो। अज़लान अपनी धुन में ट्यूशन पढ़ाने के बाद घर की तरफ जा रहा था। गुल की आवाज़ सुनकर पलटकर उसे देखने लगा, जो बहुत सारे शॉपर्स हाथ में पकड़े बड़ी मुश्किलों से ही खुद को संभाल पा रही थी। अज़लान ने आगे बढ़कर सारे शॉपर्स उसके हाथ से लिए। अरे सारे शॉपर्स कहाँ संभालोगे, 2-3 मुझे भी पकड़ा दो। गज़ल ने आज उससे पूरे माह का रोशन मंगवा लिया था, इसीलिए वो काफ़ी दूर से पैदल इतना वज़न उठाए हाँपती काँपती आ रही थी। मगर अज़लान को सारे शॉपर्स पकड़ता हुआ देखकर गुल एकदम से बोली, तुम अपना दुपट्टा और बालों की उड़ती हुई लटों को संभाल लो, यही काफ़ी है तुम्हारे लिए। वैसे चच्ची जान ये काम अदनान से भी कह सकती थी, क्या चच्चा जान भी घर पर मौजूद नहीं थे? अज़लान उसके गले में पड़े दुपट्टे और बालों को हवा में उड़ते हुए देखकर गुल के साथ चलता हुआ उससे अदनान और निसार का पूछने लगा। अद्दी से इस काम का कहने का मतलब है कि इन पैसों से हाथ धोना, और अब्बा को तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो। वैसे आजकल तुम खुद कहाँ हवाओं में उड़े उड़े फिर रहे हो,
अब मुझको अब्बा की तरह टोपियां करवाने ना बैठ जाना, तुम्हारे ऊपर पूरी नज़र रखी हुई है मैंने। गुल अपनी छोटी छोटी सी आंखों को मज़ीद छोटा करती हुई मशकूक नज़रों से अजलान को देखकर पूछने लगी, दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है तुम्हारा, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। गुल वो छोटी बच्ची है नौ के बराबर, यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए वो मुझसे थोड़ा सा टाइम मांगती है, मगर जो बात तुम सोच रही हो मुझे तुम्हारी सोच जानकर काफ़ी अफसोस हुआ है। अजलान अच्छी तरह जानता था गुल का इशारा बेला की तरफ था। कल जब वो बेला के साथ करीबी पार्क में वॉक कर रहा था तब गुल जिस तरह से उन दोनों को देख रही थी अजलान समझ गया था वो पूरे मोहल्ले में बिना वजह की बात फैलाकर सिर्फ बात का बतंगड़ बनाएगी। इस वजह से ना चाहते हुए भी वो गुल को वजाहत देता हुआ बोला, नौफ के बराबर होने की वजह से वो तुम्हारी बहन नहीं लगी, छोटी है तो क्या हुआ, नौफ भी तो अद्दी से पूरे 9 साल छोटी है। मुझे तो पूरी फितना ही लगती है वो सुनहरी बालों वाली। ए बागर बिल्ले, बात अगर दिल लगी तक है फिर तो ठीक है, मगर उस फितने को दिल से लगाकर मत बैठ जाना, वरना मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। गुल अजलान पर पूरा हक जताती हुई बोली। उसकी बात सुनकर अजलान घर के पास रुकता हुआ गुस्से में गुल को देखने लगा। गुल, मैं तुम्हें पहले भी साफ लफ्ज़ों में बोल चुका हूँ, हमारे बड़ों में जो भी बात हमें लेकर बचपन में तय हो चुकी है मैं इस बात को रत्ती बराबर भी संजीदा नहीं लेता, ना अपने लिए ना ही अपनी बहन के लिए, और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि तुम बिना वजह का फितूर अपने दिमाग में मत पालो। कई दफ़ा पहले भी बोली हुई बात अजलान आज एक बार फिर गुल को बोलता हुआ सारे शॉपर्स उसको पकड़ा चुका था, क्योंकि अब उन दोनों को का क्वार्टर आ चुका था, जबकि अजलान की तवज्जो क्वार्टर की दीवार के साथ बने बंगले पर थी जहां गेट पर बेला खड़ी हुई खामोशी से गुल और अजलान को देख रही थी। अजलान बेला को देखकर उसकी तरफ जाने लगा। गुल अजलान को बेला की तरफ मतवज्जा देखकर अंदर ही अंदर बुरी तरह जल गई। तुम अपने और मेरे रिश्ते को संजीदा लो या ना लो, बड़ों के आगे कौन सी तुम्हारी चलने वाली है, और अपने अलावा मैं तुम्हें किसी दूसरे का खुद भी नहीं होने दूंगी। गुल दिल ही दिल में अजलान से मुखातिब होकर सारे शॉपर्स लिए अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गई, जबकि दूसरी तरफ बेला ने अजलान को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो वो नाराज़गी का इजहार किए गेट से अंदर चली गई। अजलान को बेला के रवैये पर हैरत हुई, मगर वो उसके पीछे जाने की बजाय अपने क्वार्टर की तरफ चला गया, क्योंकि इबाद के आने का टाइम हो चुका था। रुको, सुनो, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ बेला। अजलान जैसे ही बंगले के अंदर दाखिल हुआ, लॉन में कुर्सी पर बैठी हुई बेला अजलान को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अंदर जाने लगी। तभी अजलान उसके सामने आता हुआ उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। कोई काम था क्या तुम्हें मुझसे? बेला अजलान को देखकर उससे पूछने लगी तो बेसाख्ता उसके अंदाज पर अजलान को हंसी आ गई। मुझे कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि तुम मुझसे खफा किस बात पर हो। अजलान अपने दोनों हाथ बांधे हुए धूप में बेला की चमकती हुई रंगत को देखकर पूछने लगा। अगर उसके जहन में क्यूट लफ्ज़ आता तो खुद ब खुद सुनहरी बालों वाली छोटी सी इस लड़की की शबीह सामने आ जाती। कौन थी वो लड़की जिसका सामान उठाए बड़े मज़े से उससे बातें करते हुए कल शाम में नज़र आ रहे थे? बेला ने जिस अंदाज में उससे पूछा, अब की बार अजलान ने उसकी बात पर ज़ोरदार कहकहा लगाया। गुल की बात कर रही हो? कज़न है वो मेरी, चचा जान की बेटी। बेचारी दुकान से सौदा लेकर खुद ही घर की तरफ जा रही थी तो मैंने उसकी मदद कर दी, इसमें खफा होने वाली क्या बात है? अजलान आंखें सुकेड़ कर बेला को देखता हुआ उससे पूछने लगा, लेकिन अब वो हंस नहीं रहा था बल्कि उमज आने वाली अपनी हंसी को रोके हुए था। खैर, बेचारी तो कहीं से नहीं लग रही थी वो। बेला सर झटक कर बोली, जिस तरह गुल अजलान के साथ चलती हुई फ्री होकर उससे बातें कर रही थी, बेला को वो अजीब सी लड़की ज़रा भी अच्छी नहीं लगी थी, जिसका इजहार उसने अजलान के सामने कर दिया। उसने क्या बिगाड़ दिया है तुम्हारा जो वो तुम्हें पहली नज़र में ही बुरी लगने लगी है? हाँ, थोड़ी पतूनी टाइप है मगर दिल की बुरी नहीं है वो। अजलान अभी भी अपनी मुस्कुराहट छुपाकर बेला से बोलने लगा। बेला के यूं बेसबब जालस होने पर अजलान को हंसी आ रही थी। छोटी उम्र में अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स या दोस्तों को अपने अलावा किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व देखकर हसास हो जाया करते हैं। मेरा क्या बिगाड़ सकती है तुम्हारी कज़न? मुझे उसका यूं बेतकल्लुफ़ होकर तुमसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और ये क्या बात हुई कि वो दिल की बुरी नहीं है? अजलान, सच बताओ, क्या वो तुम्हें अच्छी लगती है? बेला हैरत ज़दा होकर उससे पूछने लगी। बेला, गुल मेरे चचा की बेटी है, हम आपस में कज़न्स हैं,
तो वो मुझसे फ्री होकर बात कर सकती है, लेकिन इस बात को लेकर तुम इतना खफा क्यों हो रही हो? सीरियसली, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, अजलान अब बिल्कुल संजीदा होकर बेला को देखता हुआ बोला। उसे इस हद तक बेला का गुल को लेकर बहस करना अब वाकई समझ में नहीं आ रहा था। सच्ची सच्ची बताओ, वो तुमको मालूम नहीं कैसे स्माइल देकर देख रही थी और बातें कर रही थी? मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। तुम मेरे दोस्त हो, मुझे अच्छा लगता है जब मैं और तुम एक दूसरे से फ्रैंक होकर बात करते हैं। कोई दूसरा तुमसे फ्रैंक होकर बात करे या तुम किसी दूसरे से फ्रैंक होकर बात करो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बेला की मासूम सी लॉजिक सुनकर अजलान मुस्कुराया। पागल हो तुम बिल्कुल, दोस्ती में ऐसा थोड़ी होता है। अजलान बेला के सर पर आहिस्ता से चपत लगाकर लॉन में आगे बढ़ता हुआ बोला तो बेला भी उसके साथ चलती हुई उससे पूछने लगी, क्यों क्यों नहीं हो सकता ऐसा दोस्ती में? हम दोनों अपनी दोस्ती ऐसे ही रखेंगे, मेरे अलावा तुम कोई भी दोस्त मत बनाना और ना मैं तुम्हारे अलावा कोई दोस्त बनाऊंगी। हम दोनों अपनी सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर किया करेंगे, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ देखना चाहती हूँ अजलान। वो दोनों लॉन में चहलकदमी कर रहे थे तब बेला की आखिरी बात पर अजलान ने कदम रोक कर गौर से उसको देखा तो बेला भी रुक गई। ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें बुरा लगा मेरा ऐसा बोलना, या तुम मुझसे ऐसी दोस्ती नहीं चाहते? बेला अजलान को देखकर अफसोस से पूछने लगी। जैसे तुम दोस्ती का कह रही हो और जिसे तुम दोस्ती समझ रही हो वो दोस्ती नहीं होती, वो दोस्ती से बढ़कर शायद कोई आगे की मंजिल होती है, अजलान संजीदगी से बोलता हुआ दोबारा चहलकदमी करने लगा। क्योंकि उसके नज़दीक एक लड़का और लड़की के बीच एक हद तक दोस्ती कायम रह सकती थी, आगे की मंजिल इसका क्या मतलब हुआ? बेला खुद भी अजलान के साथ उसके हम कदम चलती हुई उससे पूछने लगी। अजलान उसका पहला ऐसा दोस्त जो उसको बहुत अच्छा लगा था, जिसमें खलूस था, वो दूसरे लड़कों के जैसा नहीं था, इसीलिए बेला चाहती थी कि उसकी और अजलान की दोस्ती हमेशा कायम रह सके। इसका मतलब तुम अभी नहीं समझोगी, क्योंकि ये बात समझने की तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो शायद फिर तुम्हें अपनी इस बचकाना बात को याद करके खुद हंसी आ जाए। अभी तुम सिर्फ इसलिए मुझसे टची हो रही हो क्योंकि यहाँ तुम्हारा कोई दूसरा फ्रेंड मौजूद नहीं है, जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो शायद तुम्हें कोई अजलान याद भी नहीं रहे। अजलान बेला को देखकर मुस्कुराता हुआ बोला तो बेला ने एकदम अजलान का हाथ पकड़ा, जिस पर अजलान रुक कर एक बार फिर बेला को देखने लगा। तुम ऐसा समझते हो कि मैं यहाँ से जाने के बाद तुम्हें भूल जाऊँगी? मैंने तुमसे दोस्ती की है, तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें कभी भूल जाऊँ। बेला उसका हाथ थामे उसे अपनी दोस्ती का यकीन दिलाने लगी। मगर ये तुम्हारे हाथ का सर्दपन तो मुझे कुछ और ही बता रहा है। रिश्ता कोई भी हो, इसमें एतबार और वफा का होना शर्त अव्वल है। आगे जाकर तुम्हारी मुझसे वफा का भी मालूम हो जाएगा और तुम आगे ज़िंदगी में मेरा एतबार भी देख लोगी। अजलान बेला का हाथ थाम कर उसकी आंखों में देख कर बोला, तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरी बेटी का हाथ। अजलान को अपनी पुश्त से आवाज़ सुनाई दी, जिस पर वो मुड़कर लॉन में आते हुए इबाद को देखने लगा। बेला भी इबाद को देख चुकी थी, वो अजलान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर इबाद के पास जाने लगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि तुम मेरी बेटी का हाथ पकड़ो? चार जमातें पढ़ने से तुम्हारी औकात नहीं बदलेगी, ना ही तुम्हें अपनी औकात भूलनी चाहिए। तुम्हारा बाप ड्राइवर है मेरा, तुम्हारा चचा यहाँ मेरे घर का मुलाजिम है, तुम्हारी हैसियत तो हमारे सामने सर उठाने की नहीं है, और तुम मेरी छोटी सी बेटी का हाथ पकड़े उसे ना जाने कौन सा सबक पढ़ा रहे हो। खबरदार, जो आइंदा तुम मुझे इस बंगले के अंदर नजर आए। इबाद अपने पास आती हुई बेला को नज़रअंदाज करता हुआ अजलान के पास आता हुआ हकारत से बोला। इबाद की बात सुनकर अजलान का चेहरा तौहीन और शर्मिंदगी से सुर्ख होने लगा। बाबा क्या हो गया है आपको, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आप इसकी इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। बेला को इबाद के बोले हुए लफ्ज़ों पर इंतहाई अफसोस हुआ। वो अजलान का चेहरा देखने के बाद इबाद से नाराज़गी से बोली, फ्रेंडशिप अपनी हैसियत और बराबरी के लोगों में की जाती है, ये बात ना तुम्हारी माँ को समझ में आई है और ना ही तुम्हें, चलो अंदर। इबाद गुस्से में बेला को डांटता हुआ बोला और साथ ही उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले गया। अजलान खामोशी से गेट से निकलकर अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगा। गेट से अंदर आते निसार पर उसकी नज़र पड़ी, जो अपनी धुन में गुनगुनाता हुआ आ रहा था। अरे मेरे बच्चे, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है, खैरियत तो है ना? निसार अजलान का उतरा हुआ चेहरा देखता हुआ उससे पूछने लगा। हाँ खैरियत है, मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो मुझसे कहा था कि आप नोफ को उसकी दोस्त के घर से लेकर आ जाएंगे।
अजलान अपनी थोड़ी देर पहले हुई बेइज्जती को भूल कर निसार से पूछने लगा, क्योंकि निसार ने दोपहर को अजलान को अपने काम के सिलसिले में बाहर भेजा हुआ था और बदले में उसे यकीन दिलाया था कि शाम को वो नौफ को खुद उसकी सहेली के घर से ले आएगा। हाँ, बस नौफ को ही तो लेने जा रहा था मैं, तू घर पहुँच, नौफ को अभी लेकर आता हूँ, निसार जल्दी से बोला तो अजलान निसार की बात पर खामोशी से उसे देखने लगा। अरे ऐसे क्या शक भरी नज़रों से देख रहा है मेरे लाल, तुझे थोड़ी टोपी कराऊंगा, तुझ पर तो ये निसार दिल उस जान से निसार है, घर पहुँच, बस थोड़ी देर में नौफ को लेकर आता हूँ। अजलान निसार की बात पर एतबार करता हुआ वहाँ से चला गया, ये जाने बिना कि उसका चचा दुनिया में आने से पहले पैदाइश की तारीख से 10 दिन लेट दुनिया में आकर अपनी ही माँ बाप को टोपी करवा चुका था। नौफ को बाहर भेज जल्दी से, उसे बोल के तुझे अदनान लेने आया है। बबली के छोटे भाई ने घर का दरवाज़ा खोला तो अदनान उसे देख कर बोला। रास्ते में उसका टकराव निसार से हो गया था। निसार ने नौफ को उसकी सहेली के घर से लाने की जिम्मेदारी अपने नलायक बेटे अदनान को सौंप दी और वहीं से बंगले में वापस चला गया, क्योंकि इबाद का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। भाई नहीं आए मुझे लेने के लिए? नौफ घर के दरवाजे से निकलकर चारों तरफ नज़रें दौड़ाती अजलान की तलाश करती हुई आहिस्ता आवाज़ में अदनान से पूछने लगी। तो मैं कौन सा तुझे खा जाऊँगा जो मुझे ऐसे डर कर देख रही है, चल आजा शाबाश, पैदल पैदल घर को चलते हैं। अदनान अपने गले में डाला हुआ मफलर दोनों हाथों से पकड़ता हुआ सफ़ेद कपड़ों में खौफ सदा खड़ी नौफ को देख कर बोला, जो बेबसी से अदनान को देखने लगी। उसका दिल चाहा वो वापस घर के अंदर बबली के पास चली जाए और कॉल करके अजलान को बुला ले, मगर वो बबली को खुदा हाफिज़ कहकर घर से बाहर निकल चुकी थी। यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, मेरी रसमलाई अब चल रही है या तुझे गोद में उठाकर घर ले जाऊँ? अदनान ललचाई हुई नज़रों से नौफ को देख कर बोला। अदनान की बात सुनकर नौफ बेदिली और ख़ामोशी से सर झुकाकर अदनान के साथ चलने लगी। आज इतने दिनों बाद वो बबली के बुलाने पर उसके घर आई थी, वरना ज़्यादातर बबली खुद ही उसके पास आ जाया करती थी। अगर ज़्यादा ही तेरा बाहर निकलने का मूड हो रहा था तो मुझे बोल देती, मैं तुझे कोई फिल्म शिल्म दिखाने सिनेमा ले चलता, इसी बहाने दोनों मिलकर थोड़ी मौज मस्तियाँ ही कर लेते। अदनान ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकता था, वो नौफ को नीचे सर झुकाकर खामोशी से चलता हुआ देखकर बोला, मुझे फिल्में देखने का शौक नहीं है। नौफ यूं ही सर झुकाए चलती हुई अदनान से बोली और उसके दूसरे जुमले को नौफ ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। अरे मेरी जान, मैं फिल्म देख लेता तो मुझ पर गौर कर लेती, वैसे भी अब तुझे मेरे बारे में सोचना और गौर व फिक्र करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे जैसे तू जवान हो रही है मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आज तो तू इन सफ़ेद कपड़ों में बिल्कुल डरी सहमी कबूतरी की तरह मेरे दिल पर कयामत ढा रही है। मेरा तो अभी से ईमान ख़राब हो रहा है तुझे देखकर, क्या बताऊँ, चल थोड़ी देर के लिए इस दरख्त की आड़ में चलते हैं, इसके बाद घर चले जाते हैं। सुनसान गली को देख कर बोलते बोलते अदनान के जज्बात बेलगाम होने लगे। वो नौफ की कलाई को पकड़ता हुआ बोला तो खौफ के मारे नौफ अदनान को देखने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ अदनान भाई, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दें। नौफ उससे अपना हाथ छुड़वाती हुई बोली। इससे पहले अदनान की हरकत पर उसे रोना आता, अदनान का हाथ नौफ के गाल पर निशान छोड़ गया। वो मज़ीद खौफ सदा होकर सहमी हुई अदनान को देखने लगी, नखरे किस बात के दिखा रही है, अबे मंगेतर है तू मेरी, और ये कितनी बार बोला है कि मुझे भाई मत बोला कर, समझ में नहीं आता तुझे, कितने प्यार से लेकर जा रहा था मगर नहीं जी, तुझे तो चांटा खाकर ही जाना था, डर ऐसे रही है मुझसे जैसे अभी तुझे अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, चल जल्दी से आजा शाबाश, अदनान बोलता हुआ नौफ के सिसकने की परवाह किए बगैर उसका हाथ पकड़ कर उसे ले जाने लगा, और नौफ रोती हुई ना चाहते हुए भी उसके साथ चलने पर मजबूर थी। अबे रो क्यों रही है, प्यार करने के लिए ले जा रहा हूँ, तेरा गला घोटने के लिए नहीं, अदनान उसको मुसलसल रोता हुआ देखकर बोला और दरख्त के पीछे ले जाने लगा। ए कहाँ ले जा रहे हो इसे, हाथ छोड़ो फौरन इसका। इफ्राहिम दूर से पैदल चलता हुआ घर की तरफ आ रहा था, दूर से ही वो सारा सीन देखकर कुछ कुछ माजरा समझ गया था और साथ ही उन दोनों को भी पहचान गया था, जब ही बीच में मदाखलत करता हुआ बोला, छोटे साहब ये लड़की मेरी होने वाली। इस वक्त अदनान इब्राहिम को देखकर नाखुश हुआ था,
वो इस नए अफसर के बदमजाज बेटे को जानता था, इसीलिए नौफ का हाथ छोड़े बगैर आजिजी से बोलने लगा, शट अप। इब्राहिम ने उसको बीच में ही टोका, सुनाई नहीं दिया तुम्हें, मैं कह रहा हूँ हाथ छोड़ो इसका। इब्राहिम ने नौफ की आंखों में इस वक्त आंसू देखे जो खामोशी में भी उसको बहुत कुछ कह गए थे, इसीलिए अब की बार इब्राहिम ने अदनान को गुस्से करते हुए सख्त लहजे में हाथ छोड़ने को बोला तो अदनान को नौफ का हाथ छोड़ना ही पड़ा। वैसे तुम इसको अपने साथ कहाँ पर लेकर जा रहे थे, घर तो तुम्हारा इस साइड पर है ना। इब्राहिम चलता हुआ अदनान के पास आया और अदनान से सवाल करने लगा। वो उम्र में अदनान से एक या दो साल छोटा था, लेकिन उस रोब और दबदबे की वजह उसके बाप का अफसर होना था। अदनान को मालूम था बड़े लोगों से बिगाड़ कर उसकी अपनी मिट्टी पलीद होनी थी, वरना ये सवाल इब्राहिम की जगह कोई दूसरा उससे करता तो वो बहुत अच्छी तरह उसे बताता। वो जी इसे आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा था, वहीं लेकर जा रहा था इसे। तू खामोश क्यों खड़ी है, बताना हमारे छोटे साहब को। अदनान से कोई बात नहीं बन पाई तो वो बराबर में खड़ी नौफ से दांत पीसता हुआ बोला, जी ये सही कह रहे हैं। नौफ ने अपना सर झुकाकर बहुत आहिस्तगी से जवाब दिया, जिसको इब्राहिम नज़रअंदाज करता हुआ और गुस्से में अदनान को देखने लगा। क्या समझा हुआ है तुमने मुझे, क्या मैं बेवकूफ़ नज़र आता हूँ तुम्हें। इसका आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा था और ये आइसक्रीम खाने के लिए बुरी तरह रो रही थी, और तुम उसको घसीट कर मारते हुए आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे थे। इब्राहिम के गुस्से में बोलने पर अदनान चोर सा बन गया और उसकी बात को झुटलाता हुआ बोला, ना जी मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, औरत पर हाथ उठाना तो बहुत बड़ा गुनाह है, वो तो जी मैंने इसको हल्का सा हाथ लगाया था। अदनान के झूठ बोलने पर इब्राहिम गुस्से में मज़ीद अदनान के करीब आया और ज़ोरदार थप्पड़ उसने अदनान के मुंह पर मारा। उसके थप्पड़ मारने पर ना सिर्फ अदनान हक्का बक्का होकर इब्राहिम को देखने लगा, बल्कि बराबर में खड़ी नौफ भी डर के मारे उछल पड़ी। इतने हल्के से हाथ लगाया था तुमने उसे, या फिर इससे भी ज़्यादा हल्का हाथ लगाया था, इब्राहिम अदनान से पूछने लगा। उसके हाथ की पांचों उंगलियां अदनान के गाल को वैसे ही सुर्ख कर चुकी थीं जैसे थोड़ी देर पहले अदनान ने नौफ के गाल को सुर्ख किया था। ये थप्पड़ तो मैंने तुम्हें तुम्हारे झूठ बोलने पर मारा है, अब जो थप्पड़ तुमने इस लड़की के गाल पर मारा था इसकी सज़ा के लिए तैयार हो जाओ, इब्राहिम अदनान से बोलता हुआ नौफ की तरफ देखने लगा। तुम नीचे ज़मीन पर क्या तलाश कर रही हो, यहाँ देखो इसके गाल की तरफ, और इसके दूसरे गाल पर ऐसा ही थप्पड़ मारो। याद रहे थप्पड़ ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे हाथ की उंगलियों के निशान इसके गाल पर नजर आए मुझे। इब्राहिम की बात सुनकर जहां नौफ घबराती हुई उसे देखने लगी, वहीं अदनान भी जबड़े ज़ोर से भींच कर अपना गुस्सा जब्त करने लगा। मुझे मत देखो यूँ बेवकूफ़ों की तरह, जो कहा है वो करो वरना खुद भी सजा के लिए तैयार हो जाओ, नौफ के घबरा कर देखने पर इब्राहिम सख्त लहजे में बोला, जिस पर नौफ अदनान का सुर्ख गाल देखने लगी जो इब्राहिम के हाथ का पड़ा हुआ ताज़ा ताज़ा थप्पड़ की कहानी बयान कर रहा था। अब ना जाने वो सर फिरा सा मगरूर लड़का नौफ के साथ क्या करता। नौफ ने डरते हुए कांपता हुआ हाथ उठाकर अदनान के गाल पर मारा और शर्मिंदा होने लगी, जान नहीं है तुम्हारे हाथ में, ऐसे मारा था इसने तुम्हारे गाल पर थप्पड़, या अब तुम्हारे दूसरे गाल पर थप्पड़ मैं लगा कर दिखाऊं। इब्राहिम तेज़ आवाज़ में डांटता हुआ नौफ को बोला तो नौफ हैरत से उसे देखने लगी, मुझसे नहीं मारा जाएगा, आप प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दें। नौफ इब्राहिम के गुस्से से घबराती हुई सर झुकाकर बोली, जबकि अदनान सुर्ख गाल लिए खामोश खड़ा अपने आप को तमाशा बने देख रहा था। थोड़ी देर पहले की उसकी सारी शोखी इब्राहिम के मारे हुए थप्पड़ से हवा हो चुकी थी। क्यों नहीं मारा जाएगा, ये सोचकर इसके गाल पर थप्पड़ टिकाओ कि अगर मैं यहाँ से नहीं गुजरता तो ये तुम्हारे साथ क्या कर सकता था, इब्राहिम नौफ के झुके हुए सर को देखकर बोला। वो बेशक छोटी उम्र की लड़की थी, मगर उसकी आंखों से बहते हुए आंसू और बेबसी इब्राहिम को समझा चुकी थी कि वो वक्त से पहले बाशऊर हो चुकी है और अपनी उम्र की लड़की से ज़्यादा समझ बूझ रखती है। इब्राहिम की बात का तसव्वुर करते हुए नौफ को झुरझुरी सी आई, न जाने कैसे उसका हाथ उठा और अदनान का दूसरा गाल भी लाल कर गया, जिसके बाद वो खुद अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रोने लगी, जबकि अदनान दोनों सुर्ख गालों के साथ ज़मीन में अपने आप को गड़ता हुआ महसूस करने लगा। मगर वो दिल ही दिल में तय कर चुका था कि इस थप्पड़ का वो इब्राहिम से ऐसा बदला लेगा कि इब्राहिम की रूह तक तड़प कर रह जाएगी।
ये मेरी स्पोर्ट्स कार की चाबी है जो पीछे बीच रास्ते में ख़राब हो चुकी है। जाओ उसे बनवा कर घर ले आओ। इब्राहिम अदनान की तरफ अपनी बाइक की चाबी उछालता हुआ हाकिमाना लहजे में बोला तो अदनान चाबी लेकर वहाँ से चला गया। बीच रोड पर सुनसान जगह पर यह बेवकूफ़ों की तरह रोना बंद करो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसके बात सुनकर नौफ अपने चेहरे से दोनों हाथ हटाकर इब्राहिम को देखने लगी, मगर नौफ को चलने का कहकर वो उसके इंतज़ार में रुका नहीं था बल्कि आगे कदम बढ़ा चुका था। नौफ को भी उसके साथ चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने पड़े। तो ये उसी सुस्त निकम में टोपी बाज निसार की औलाद है, देखने में भी अजीब वाहियात सा लड़का लगता है। शायद निसार ने उसकी तरबियत अच्छे से नहीं की। वैसे तुम उसके साथ बाहर क्यों निकली हुई थी? नौफ सर झुकाए इब्राहिम के साथ छोटे छोटे कदम उठा रही थी। इब्राहिम के सवाल पर जवाब से पहले उसने अपने दुपट्टे से निकलती हुई नाक साफ की जो बहुत ज़्यादा रोने की वजह से बहने लगी थी। यक स्टूपिड गर्ल, अपने कपड़ों से कौन नो साफ करता है? अजीब गवार और मैनरलेस लोग होते हो तुम लोग भी। ये टिशू पकड़ो। इब्राहिम नौफ की इस हरकत पर कराहियत महसूस करता हुआ अपनी पॉकेट से टिशू निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाकर तेज़ आवाज़ में बोला। नौफ ने शर्मिंदा होते हुए इब्राहिम के हाथ से टिशू लिया, मगर वो भी क्या करती, नोज़ तो हर आम इंसान की बहती है। अब उसके पास नोज़ साफ करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तो भला वो क्या करती। मगर ये बात वो इब्राहिम को बताने की बजाय अपने बाहर निकलने की वजह बताने लगी। मैं अदनान भाई के साथ बाहर नहीं निकली थी बल्कि अपने भाई के साथ बबली के घर से आई थी। अदनान भाई तो मुझे बबली के घर से वापस लेने आए थे। अब बबली कौन थी ये इब्राहिम को क्या मालूम था। वो सर झटक कर अपने साथ चलती हुई नौफ को देखने लगा जो आहिस्ता आवाज़ में बोलती हुई सर झुकाए उसके हम कदम चल रही थी। कुछ याद आने पर इब्राहिम गुस्सा करता हुआ एकदम नौफ से बोला, मैंने तुमसे 15 दिन पहले क्या बोला था कि तुम अगले दिन आकर पूरे लॉन की सफाई करोगी, और तुमने फरमाबरदारी से मेरे सामने सर हिलाया था। अपने चचा की तरह टोपी करवाई तुमने मुझे। इब्राहिम तो लॉन की सफाई का कहकर इस बात को खुद भी फरामोश कर चुका था, मगर नौफ के झुके हुए सर को देखकर अचानक उसे ये बात याद आ गई, जिस पर वो नौफ को मस्नूई गुस्सा दिखाकर रोब जमाता हुआ पूछने लगा, मैंने आपको टोपी नहीं करवाई थी, अगले दिन मेरे इम्तिहानात शुरू हो गए थे तो मैं पढ़ने में मसरूफ़ हो गई थी। वैसे तो नौफ ने 15 दिन पहले सोच लिया था कि वो अब इस बंगले का रुख नहीं करेगी, मगर ये भी सच था कि वो परसों ही अपने पेपर से फारिग हुई थी, और दूसरा उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यूँ अचानक इब्राहिम से उसका टकराव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब तुम कल सुबह ही बंगले के अंदर मौजूद होगी और मेरे वार्डरोब में मौजूद सारे कपड़े प्रेस करोगी। घर नज़दीक आ चुका था तब इब्राहिम नौफ के झुके हुए सर को देख कर हाकिमाना लहजे में बोला, सुबह तो मुझे स्कूल के लिए निकलना होगा। नौफ झुके सर के साथ अपने सामने खड़े मगरूर और बददमाग लड़के को आहिस्ता आवाज़ में बताने लगी, पढ़ लिख कर क्या करोगी तुम, मिलना तो तुम्हें वही है, मामे या चाचे का बेटा। इब्राहिम का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था, मगर सर उठाकर जिन नज़रों से नौफ ने उसे देखा तो इब्राहिम एकदम संभल कर दोबारा बोला, सुबह का मतलब है 12 बजे, मेरी सुबह 12 बजे होती है, जब तक तुम्हारा स्कूल ऑफ हो चुका होगा। अपना बैग रख कर सीधी तुम मेरे कमरे में आओगी, समझ में आ रहा है तुम्हें? इब्राहिम एक बार फिर रोब जमाने वाले अंदाज में बोला, जिस पर नाचार नौफ को आहिस्ता से इकरार में सर हिलाना पड़ा। जाओ मैं यहीं खड़ा हूँ, यहाँ से सीधा अपने घर चली जाओ। इब्राहिम नौफ के झुके हुए सर को देखकर बोला तो नौफ खामोशी से अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगी। इब्राहिम को इस लड़की को हुक्म देने में मज़ा भी इसीलिए आता था क्योंकि वो ताबेदारी से सर झुकाए उसकी हर बात मानती थी। नौफ ने घर का दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल होने से पहले एक नज़र सामने देखा, इब्राहिम वहीं पर मौजूद उसी को देख रहा था। नौफ ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। स्टूपिड गर्ल, इब्राहिम ज़ेर लब बुड़बुड़ा कर बंगले के खुले गेट से अंदर जाने लगा। क्या तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ ये सुनकर के अदनान ने नौफ पर हाथ उठाया है? मेरी मासूम बच्ची ना किसी के बुरे में ना अच्छे में कुछ मुँह से बोलती तक नहीं है, वो इसको बिला वजह में मारते हुए अदनान को शर्म नहीं आई? मैं कल ही जाकर निसार और गज़ल से बात करती हूँ। रक्षी नौफ का सुर्ख काल देख कर परेशान हुई थी। नौफ ने सारा किस्सा सुनाने की बजाय उसे सिर्फ यही बताया था कि अदनान ने उसे इस बात पर मारा है कि वो घर से बाहर निकली थी। अरे आहिस्ता तो बोलो, अभी अजलान के कानों में ये बात पड़ गई तो और ज़रा सी देर में उसे भी गुस्सा आ जाएगा। लड़के तो अपनी मंगेतर और घर वाली पर रोब डालने के लिए ऐसी हरकतें करते ही हैं,
लगा दिया होगा उसने नोव को डराने के लिए हल्का फुल्का सा हाथ। मैं खुद समझाऊंगा अदनान को, तुम्हें निशान या फिर गजल से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कयूम को खुद भी अदनान की इस हरकत पर काफ़ी दुख हुआ था, लेकिन वो रक्षी के सामने उसका इजहार करके बात नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए रक्षी को समझाता हुआ बोला, ज़रा सा हाथ लगाया है उसने, जाकर देखो अपनी बच्ची का सूझा हुआ गाल। नोव उसी कमरे में सर तक लहाफ ओढ़े सोती हुई बनी लेटी थी, मगर वो कयूम और रक्षी की सारी बातें सुन रही थी। क्या कर रही है नेकबख्त, क्यों बात को बढ़ा रही है, बोल तो दिया है समझाऊंगा मैं अदनान को, अब चुप कर जा, तेरी आवाज़ सुनकर कहीं अजलान ही ना यहाँ आ जाए। कयूम रक्षी को आहिस्ता आवाज़ में डांटता हुआ बोला, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस किस्से की जरा सी भी भनक अजलान को पड़े। मैं तुम्हें बता रही हूँ कयूम, तुम्हें अपने भाई से मोहब्बत है तो वो अपनी जगह, लेकिन इस चक्कर में मैं अपने दोनों बच्चों की कुर्बानी नहीं दे सकती हूँ, ना ही मैं अपनी नोव की शादी अदनान जैसे मुफ्त खोरे के साथ होने दूंगी, और ना ही वह छोटी सी बच्ची नुमा औरत मेरे अजलान की दुल्हन बनकर इस घर में आएगी। रक्षी उंगली उठाकर तंबीह करती हुई बोली, क्योंकि निसार और गज़ल की दोनों ही औलाद जिस राह पर चल निकली थी रक्षी, उनकी वजह से अपने दोनों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा सकती थी। देख रक्षी, अब तू बहुत ज़्यादा बोल रही है, हमारे बच्चों के बचपन में जो बात तय हो चुकी थी वो तो अब होकर ही रहेगी, मैं अब अपनी ज़बान से हरगिज़ नहीं मुकरूंगा, और ना ही कोई दूसरा इन रिश्तों को ख़त्म कर सकता है मेरे जीते जी। अगर तूने बीच में पढ़कर इन रिश्तों को ख़राब करना चाहा तो मैं तुझे ज़रूर फारिग कर दूंगा, इसीलिए मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूं कि आइंदा इनके रिश्तों को ख़त्म करने वाली बात अपनी ज़बान पर मत लाना। कयूम रक्षी को बोलता हुआ घर से बाहर निकल गया, जबकि रक्षी चुप करके चारपाई पर बैठ गई। लिहाफ के अंदर लेटी हुई नोव को अपनी ज़िंदगी अजाब से लगने लगी, क्योंकि आज अदनान की हरकत से उसे अदनान और अपनी ज़िंदगी से नफ़रत सी हो चली थी। कैसे हो अजलान? वो कल शाम इबाद की बातें सुनने के बाद से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किए हुए बैठा था। थोड़ी देर पहले रक्षी उसे नाश्ता देकर घर के कामों में मसरूफ़ हो चुकी थी, तब उसे अपने कमरे में बेला की आवाज़ सुनाई दी। तुम यहाँ हमारे क्वार्टर में क्या कर रही हो? बेला को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखकर अजलान कुर्सी से उठता हुआ उसके पास आकर पूछने लगा, तुमसे सॉरी करने आई थी, बाबा ने कल गुस्से में बहुत गलत किया, उन्हें वो सब बातें तुमसे नहीं कहनी चाहिए थी। बेला कमरे के अंदर आती हुई अजलान से बोली, वो सब जो तुम्हारे बाबा ने मुझसे कहा उसके लिए तुम्हें सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। अजलान का अंदाज़ बेहद संजीदा था। बेला उसे खामोशी से देखने लगी, तुम मुझे अपने घर से जाने के लिए बोल रहे हो, इसका मतलब ये हुआ तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो? बेला अफसोस करती हुई अजलान को देखकर बोली, तो अजलान लंबा सांस खींचकर बेला को देखता हुआ बोला, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ बेला, मगर तुम्हें किसी भी इंसान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले अपने फादर की नेचर को जहन में रखना चाहिए, क्योंकि दूसरा बेशक गरीब इंसान हो मगर उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ये नहीं कि कोई भी ऊंचा बड़ा आदमी अपना रोब और बुलंद मर्तबा दिखाकर उस छोटे इंसान की इंसल्ट करता रहे। देखो बेला, मैं और मेरी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली से भी कम हैसियत रखती है, ये दो कमरों का क्वार्टर भी हमारा अपना नहीं है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, मेरी माँ और बाप हम दोनों बहन भाइयों को बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, ताकि जो वक्त उन लोगों ने फेस किया है वो हम दोनों बहन भाई फेस ना कर सकें। जिस तरह तुम लोगों का रहन सहन और तौर तरीके हैं वो मुझसे मेरी फैमिली से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और मिस्टर इबाद का ये कहना एक तरह से मुनासिब है, दोस्ती हमेशा अपने लेवल के लोगों में करनी चाहिए, जितने भी वक्त हम दोनों की एक साथ दोस्ती रही बहुत अच्छी रही, लेकिन अब इस दोस्ती को यहीं ख़त्म कर दो और अपने घर जाओ। अजलान बोलता हुआ अपने कमरे से जाने लगा, तभी बेला ने उसका हाथ पकड़ा, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे अपनी दोस्ती ख़त्म कर सकते हो अजलान, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें फ्रेंडशिप बैंड बांधा था, अपना सबसे पक्का वाला दोस्त बनाया है तुम्हें, तुम्हारी दोस्ती ख़त्म करने वाली बात मुझे बहुत बुरी लगी है, प्लीज़ मुझसे दोस्ती मत ख़त्म करना। वो कम उम्र थी इसीलिए अजलान की बातों को समझने की बजाय उसके दोस्ती ख़त्म करने वाली बात पर जज्बाती होकर अजलान से बोली, जिस पर अजलान ने गुस्से में बेला का हाथ ज़ोर से झटका, क्या चाहती हो तुम? तुमसे दोस्ती बरकरार रखने के लिए आए दिन मैं अपने आप को तुम्हारे बाप के सामने जलील करवाता रहूं? तुम लोगों की नज़र में हमारी कोई हैसियत, कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं है, मगर ये सोच गलत है बेला, हम लोग बेशक गरीब हैं लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है, और तुम्हारे बाप को या किसी दूसरे को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमें यूँ जलील करे, अजलान गुस्से में चीख कर बोला, जिससे बेला रोने लगी, जबकि अजलान के चीखने पर रक्षी एकदम कमरे में आ गई, अरे बेटा आप रो क्यों रही हो,
और असलान, ये क्या तरीका है अपनी दोस्त से बात करने का? कल इबाद साहब गुस्से में होंगे अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो इसमें बैला बेटी का क्या कसूर है? रक्षी बैला के आंसू साफ करती हुई अजलान को समझाने लगी, जिस पर अजलान को मजीद चिढ़ हो गई। अम्मी, ये छोटी है, कम अकल है, आप इसको समझाने की बजाय इसका दिल बहलाने के लिए मुझे समझा रही हैं। आप इसको बताएं कि मिस्टर इबाद के सामने हम जैसे छोटे और गरीब लोगों की हैसियत किसी कचरे के ढेर और कीड़े मकोड़ों से कम नहीं है। समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम्हारे बाप के आगे मेरी या मेरे घर वालों की औकात इस धूल मिट्टी जैसी है, जिसे तुम्हारा बाप खुद झुककर अपने जूतों से हटाना भी पसंद नहीं करता, और मैं ऐसे मगरूर और दौलत के नशे में चूर इंसान की बेटी को अपने मुँह लगाना पसंद नहीं करता। इसीलिए चली जाओ यहाँ से। अब की बार अजलान पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से चीख कर बोला तो रोती हुई बैला वहाँ से चली गई। अबे, वहाँ देख क्या माल है यार, अब बता मुझे साला कौन ब्रैकेट गाली उसके जवान होने का इंतज़ार करेगा। बैला रोती हुई सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकल रही थी तब गली के कोने में अदनान के साथ बैठा हुआ इसरार अदनान से बोला तो अदनान भी बैला को गेट से अंदर अपने बंगले में जाता हुआ देखने लगा। ये खूबसूरत लड़कियों के माँ बाप ही साले पागल के बच्चे होते हैं, जो पहले इन नन्ही कलियों की हिफाजत नहीं करते हैं, बाद में जब हम जैसा कोई उन्हें मसल देता है तो रोने पीटने और मातम करने लग जाते हैं। अदनान खुद भी इसरार के सामने अपने दिमाग की गलाजत को जाहिर करता हुआ बोला, अबे साले, ये उसी अफसर की बेटी हैं, हम जैसे तो इस परी के हुसन रखने वाली को दूर से ही देख सकते हैं या फिर ख्यालों में ही सोच सकते हैं। इसके बारे में अगर कुछ उल्टा सीधा करने पर पकड़ हो गई तो वाट लगा देगा इसका बाप हमारी, इसरार ठंडी आँख भरता हुआ बोला और बाद के नताइज अदनान को बताने लगा। जब रात के अंधेरे में बख्तों की बेटी को खाली प्लॉट पर लेकर गए थे तो कौन सी पकड़ हो गई थी? काम करने के बाद गला घोंट कर लाश को नाले में फेंक देना है, समझो हमेशा के लिए किस्सा और सबूत दोनों ख़त्म। अबे, ऐसा माल हम जैसे गरीबों को ज़िंदगी भर के लिए तो नहीं मिल सकता, चंद घंटे के लिए मज़ा लेने में क्या हर्ज है फिर? अदनान आँख दबाता हुआ इसरार से बोला तो इसरार खबासत से उसकी बात पर हंसने लगा। छोटे साहब जी, अब बारी मेरी है, ये वो थप्पड़ होगा तेरे गाल पर जिससे तेरी रूह अंदर तक कांप जाएगी, तड़प उठेगा तू बुरी तरह, अदनान दिल ही दिल में इब्राहिम को मुखातिब करता हुआ बोला। अरे मेरी सोनी, तू यहाँ क्या कर रही है? नौफ अगले दिन स्कूल का बैग रखने के साथ कपड़े तब्दील करके बगैर कुछ खाए पिए सर्वेंट क्वार्टर से निकलकर बराबर बंगले में चली आई तो निसार उसको वहाँ देखकर पूछने लगा, कल इब्राहिम साहब ने आने का बोला था, उन्हें अपने कपड़े इस्त्री करवाने थे। नौफ अपने चचा को देखकर बताने लगी, साथ ही चारों बेडरूम्स को देखकर सोचने लगी न जाने उसमें से इब्राहिम का कौन सा बेडरूम है। इन बड़े अफसरों ने तो हमारे पूरे ख़ानदान को ही गुलाम समझ लिया है, अब उनके आगे कुछ बोलने की जरूरत करके उनसे बिगाड़ भी नहीं सकते। चल ठीक है, तो उस नक चिड़े अफी बाबा के कमरे में जाकर उसके कपड़े इस्त्री कर दे, अच्छा है तेरे चचा जान का ही बोझ हल्का होगा। जब तक मैं बेगम साहिबा और बैला बेटा को बाजार का चक्कर लगवा लेता हूँ, वो दोनों गाड़ी में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। निसार की कल ही इबाद ने अच्छी तरह खबर ली थी, जब ही वो आज सुबह से ही अपनी नौकरी के सही तरीके से फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब निसार ने अजलान को नाज़नीन और बैला को बाजार ले जाने का बोला, मगर उसने निसार के काम को टाल दिया, लेकिन उसके बदले नौफ यहाँ आ गई थी, वरना उसके साहब का बेटा भी अपने बाप से कम नहीं था। लाजमी वो निसार से काम लेकर उसकी नाकारा हड्डियाँ घिसाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। निसार के जाने के बाद नौफ को अफसोस होने लगा कि वो कम अज़ कम उससे इब्राहिम का कमरा ही पूछ लेती, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था वो कौन से वाले बेडरूम का दरवाज़ा बजाए। 3 से 4 बार दस्तक देने के बाद जब अंदर कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई तो नौफ ने कोफ्त भरे अंदाज में रूम का दरवाज़ा खोला, खाली कमरा उसको मुँह चढ़ा रहा था। वो बेजार सी दूसरे बेडरूम का दरवाज़ा बजाने लगी, मगर नतीजा वही निकला, वो बेडरूम भी खाली था। उसके बाद नौफ ने अपनी ही धुन में तीसरे बेडरूम का दरवाज़ा बिना दस्तक के खोल दिया और अंदर चली आई। सामने का मंजर देखकर दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए वो ज़ोरदार अंदाज में चीखने लगी, क्योंकि सामने ही इब्राहिम कमर पर तौलिया लपेटे आईने के सामने खड़ा अपने बालों में ब्रश फेर रहा था। स्टूपिड जाहिल लड़की, इस तरह किसी के बेडरूम में आ जाता है? एक सेकंड के अंदर यहाँ से गायब हो जाओ, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा।
इब्राहिम खुद भी एक सेकंड के लिए नौफ को अपने कमरे में देखकर हड़बड़ा उठा था, क्योंकि उसके कमरे में बगैर नौफ के सर्वेंट तो क्या नाज़नीन या बेला भी दाखिल नहीं होती थी। इब्राहिम की चिंगारती हुई आवाज़ सुनकर नौफ जल्दी से उसके कमरे से निकलकर बाहर कमरे की दीवार से कमर टिकाए गहरी सांसें लेने लगी। ज़िंदगी में पहली बार उसने अपने सामने किसी लड़के को बगैर शर्ट के तौलिया लपेटे हुए देखा था। शर्म के मारे उसके कान की लुएँ सुर्ख होने लगी। अब क्या बाहर खड़ी खड़ी फौत हो चुकी हो, कमरे में आओ। एक बार फिर कानों का पर्दा फाड़ कर इब्राहिम की तेज़ आवाज़ नौफ को सुनाई दी तो वो धड़कते दिल के साथ कमरे में जाने लगी। हर बार की तरह नौफ ने वैसे ही सर झुकाया हुआ था। सर उठाए बगैर अपनी आंखें उठाती हुई वो सोफे पर बैठे इब्राहिम को देखने लगी, जो जीन्स शर्ट पहने, बालों को जेल से सेट किए, जोगर्स में पाँव डाले, एक टांग पर दूसरी टांग रखे गुस्से में नौफ को घूर रहा था। अभी जो तुम रूम में आई हो, आने से पहले दरवाज़ा नॉक किया तुमने? इब्राहिम के सवाल करने पर नौफ सर उठाकर उसको देखने लगी। मैं तो आपकी परमिशन मिलने पर ही कमरे के अंदर आई हूँ, नौफ आहिस्ता आवाज़ में इब्राहिम को देखती हुई बोली, जिस पर सोफे पर बैठे हुए इब्राहिम ने मज़ीद अपनी आँखों को फैलाकर नौफ को घूरा। बकवास ना करो मेरे सामने, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो, हाँ या नहीं में। और ये नज़रें तुमने किस खुशी में उठाई हैं, वापस लीजिए करो अपनी नज़रें। वो तो इब्राहिम की बड़ी बड़ी आंखें फैलाने पर ही अपनी नज़रें डर के मारे नीचे कर चुकी थी, मगर इब्राहिम के बोलने पर नौफ ने अपना सर भी गुलामों की तरह नीचे झुका लिया। उसके झुके हुए सर को देख कर इब्राहिम के होंठों ने मुस्कुराहट को छुआ, फिर एकदम अपना लहजा सख्त करता हुआ दोबारा बोला, खड़ी खड़ी सो गई हो क्या, क्या पूछा है मैंने तुमसे? अभी कमरे में आने से पहले तुमने दरवाज़ा नॉक किया था या नहीं? करक लहजे में इब्राहिम ने अपना सवाल दोबारा दोहराया, जिस पर नौफ ने शर्मिंदा होते हुए नफ़ी में सर हिलाया। अब दोबारा रूम से बाहर जाओ और नॉक करके वापस कमरे में आओ, इब्राहिम नौफ को सख्त लहजे में ऑर्डर देता हुआ बोला। तो नौफ सुस्त कदम उठाती वापस कमरे से बाहर चली गई और दोबारा नॉक करने लगी। 7 से 8 बार दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जब नौफ को यकीन हो गया कि अंदर कमरे में बैठा हुआ शख्स अब फौत हो चुका है, तब वो दरवाजे का हैंडल घुमाकर खुद कमरे में आ गई। मैंने तुम्हें अंदर आने की परमिशन दी, वापस कमरे से बाहर जाओ और जब तक मैं कमरे में आने का ना कहूँ तब तक कमरे के अंदर मत आना। इब्राहिम की बात सुनकर नौफ का दिल चाहा कि वह उस पर दोनों हाथ से लानत भेज कर अपने घर चली जाए, लेकिन वो ऐसा काम तसव्वुर में भी करने से डरती थी, इसीलिए दोबारा इब्राहिम के कमरे से बाहर निकल गई और दरवाज़े पर दस्तक देने लगी, आ जाओ अंदर। 15 से 20 बार दस्तक देने के बाद जब उसे इब्राहिम की आवाज़ आई तो नौफ ने शुक्र का कलमा अदा किया और कमरे के अंदर आ गई। वार्डरोब में मौजूद मेरी सारी शर्ट्स बाहर निकालो और एक एक करके उन्हें आयरन करो, जल्दी से शुरू हो जाओ चलो। इब्राहिम नौफ को अभी और ज़्यादा ख्वार करने का इरादा रखता था, मगर उसकी रोने वाली शक्ल देखकर रहम करता हुआ उसे काम बताने लगा और ख़ुद टीवी ऑन करके स्पोर्ट्स चैनल देखने लगा। मगर तभी उसके रूम में रखा हुआ कार्लेस बजा। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, कार्लेस उठाकर दो मुझे फटाफट यहाँ आकर, इब्राहिम रिमोट से टीवी बंद करता हुआ कमरे में मौजूद नौफ से बोला, जो आयरन स्टैंड के पास खड़ी हुई उसकी एक के बाद एक शर्ट प्रेस कर रही थी। इब्राहिम की आवाज़ सुनकर नौफ उसे कार्लेस थमाने लगी जो इब्राहिम के पास ही रखा हुआ था। नौफ से कार्लेस लेने के बाद इब्राहिम ने उसे अपने जोगर्स की लेस की तरफ इशारा किया जो खुली हुई थी। सिर्फ एक नज़र नौफ ने उस मगरूर लड़के पर डाली, फिर नीचे झुककर उसके जोगर की लेस बंद करने लगी। हाँ यार असफर भाई, आ जाए यहाँ, कसम से मज़ा आ जाएगा आपके यहाँ आने से। नहीं यार, बाबा की तो वही ज़िद है, उन्हें पूरा टेन्योर इसी जगह पर ही कंप्लीट करना है, मैं और मामा यहाँ अच्छे खासे बोर हो चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, बेला उसका तो आपको मालूम है, शी इज़ डार्लिंग, कहीं भी एडजस्ट कर जाती है। बस आप यहाँ पर आ रहे हैं और ये न्यूज़ में मम्मा और बाबा को डिनर पर सुना रहा हूँ। इब्राहिम अभी कॉल पर बात कर रहा था, एकदम नौफ के फर्श पर गिरने से वो सोफे से उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ तुम्हें? इब्राहिम कॉल काट कर नौफ के पास आता हुआ उससे पूछने लगा, जो नीचे फर्श पर बैठी अपना पेट दबाए रो रही थी। ए लड़की, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, रो क्यों रही हो तुम? इब्राहिम उसका नाम नहीं जानता था, इसीलिए नौफ को लड़की कहकर मुखातिब करने लगा।
वैसे भी उसके नज़दीक इस लड़की की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उसका नाम जानने की कोशिश करता। मैदा बहुत देर से खाली रहे तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इस वक्त, नौफ रोती हुई उस बेरहम लड़के को बताने लगी जिसके खौफ की वजह से वो दोपहर का खाना खाए बगैर यहाँ आ चुकी थी और मुस्तकिल उसकी शर्ट्स आयरन किए जा रही थी। उठो नीचे से और डाइनिंग हॉल में जाकर बैठो। ये शायद नौफ के रोने का असर था। वो लहजे में नरमी लाता हुआ उससे बोला और ख़ुद अपने कमरे से किचन में चला गया। नौफ के साथ ये बचपन से मसला था कि वो ज़्यादा देर भूख नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। जब ही रक्षी अपनी धान पान से नौफ के खाने का ख़ास ख्याल रखती थी। वो डाइनिंग हॉल में जाकर खामोश बैठी हुई अपना दर्द बर्दाश्त करने के साथ किचन के अंदर खड़े इब्राहिम को भी देख रही थी जो मुसलसल कुछ बनाता हुआ बुड़बुड़ाए जा रहा था। उफ़, ये निसार कितना डफर आदमी है, किस तरतीब से उसने बर्तन कैबिनेट में घुसाए हुए हैं। मम्मा तो उसको कुछ कहती ही नहीं है। आ जाए ज़रा, आजिए, इसकी सारी सुस्ती और काहली दूर करूँगा। इब्राहिम ज़ोर से बोलता हुआ पास्ता से भरी प्लेट नौफ के सामने रख चुका था। नौफ ऐसे शर्मिंदा हुई जैसे वो ये बातें निसार को नहीं उसको सुना रहा हो। ओ बीबी, ये तुम्हें मैं अपने हाथों से नहीं खिलाऊँगा, तुम्हें खुद से अपने हाथ से ही खाना है, चलो फटाफट शुरू हो जाओ अब। इब्राहिम उसको बोलता हुआ दूसरी पास्ता से भरी प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल की बजाय थोड़ी दूर सोफे पर बैठकर खुद भी पास्ता से इंसाफ करने लगा, क्योंकि वो मुलाजमों को लिमिट में रखता था। उनके साथ बैठकर कुछ खाना पीना उसकी आदत नहीं थी। अच्छा किया जो तुम यहाँ चले आए, तुम्हें इतने सालों बाद पाकिस्तान में देखकर बहुत खुशी हो रही है। अगर तुम हमसे मिले बगैर वापस शारजा चले जाते तो फिर मैं तुमसे बहुत खफा होती, नाज़नीन सामने सोफे पर बैठे हुए अपनी नंद के बेटे से बोली जो आजकल शारजा से पाकिस्तान आया हुआ था और यहाँ गिलगित में ख़ास तौर पर उनसे मिलने के लिए उनके पास आया था। ऐसा हो सकता है मुमानी कि मैं पाकिस्तान आऊँ आपसे और इबाद मामू से मिले बगैर ही चला जाऊँ? मुझे तो खुद आप सबको देखकर इतनी खुशी हो रही है, ख़ासकर बेला को देखकर। पूरे 4 साल बाद देख रहा हूँ कितनी बड़ी हो गई है ये, माशाल्लाह। छुट्टी की वजह से हॉल में इबाद, नाज़नीन, इब्राहिम और बेला सभी मौजूद थे। असफर थोड़ी देर पहले ही गिलगित पहुँचा था। बेला को देख कर आखिरी जुमला बोला सबके साथ, वो भी असफर को स्माइल देख कर खामोश हो गई। जब से अजलान ने उससे दोस्ती ख़त्म की थी वो बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। फहमीदा और जाकिर भाई का आना नहीं हुआ पाकिस्तान काफ़ी सालों से। 2 साल पहले जब मैं शारजा आया था तब फहमीदा बोल रही थी कि वो जल्द पाकिस्तान चक्कर लगाएगी। इबाद अपने भांजे की आमद की वजह से अच्छे मूड में था, तभी उससे अपनी बहन के बारे में पूछने लगा। अम्मी का तो 2 सालों से पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बन रहा था मगर डैडी की वजह से हर बार पोस्टपोन हो जाता है, क्योंकि डैडी अपना सारा बिजनेस वहीं शारजा में सेटल कर चुके हैं और अम्मी के बगैर अकेले उनका गुजारा नहीं होता। असफर की बात सुनकर वहाँ मौजूद अफराद मुस्कुरा दिए। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम छोटी उम्र से साकिर भाई का बिजनेस संभाले हुए हो, उनका बाजू बने हो। जो औलाद अपने बाप के नक्शे कदम पर चलती है वही आगे ज़िंदगी में कामयाब रहती है। काश कि ये बात हमारा बेटा अफी भी समझ जाए। इबान के बोलने पर जहां उसकी बात पर असफर और नाज़नीन मुस्कुराए थे वहीं इब्राहिम के मुंह का जाविया बिगड़ गया था। इबान की ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे को उसके मुस्तकबिल में अपनी तरह बड़ा अफसर बना देखें, जबकि इब्राहिम का इंटरेस्ट जॉब की बजाय बिजनेस में था। अरे बेला, तुम कहाँ जा रही हो? बेला को वहाँ से जाता हुआ देख कर असफर उससे पूछने लगा। बेटा, आपके असफर भाई आपसे मिलने आए हैं और आप ऐसे ही यहाँ से जा रही हैं? इबाद भी नरमी से बेला को टोकता हुआ बोला। उसने भी महसूस किया था पूरे हफ्ते से बेला खामोश खामोश थी, जिसकी वजह इबाद अच्छी तरह जानता था, मगर इबाद नहीं चाहता था कि उसकी बेटी कयूम के बेटे से दोस्ती रखे और उन छोटे लोगों को मुंह लगाए, इसीलिए उसने बेला को उस रात काफ़ी ज़्यादा डांटा था। प्लीज़ आप सब मेरे यहाँ से उठने का माइंड मत करें, मेरा यहाँ बैठने का दिल नहीं जा रहा, बेला उन सब की तरफ देख कर बोलती हुई अपने कमरे में जा चुकी थी। असफर और इब्राहिम अपनी बातों में मशगूल हो गए मगर इबाद बेला के रवैये को महसूस करके शिकायती नज़रों से नाज़नीन को देखने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बेटी में बिल्कुल नाज़नीन जैसी आदतें पैदा हो रही थीं जो उसे सख्त नापसंद थीं। आप सब लोग चाय पिए, मैं निसार को रात के खाने का मेन्यू बता देती हूँ, नाज़नीन इबाद से नज़रें चुरा कर असफर को देख कर मुस्कुराती हुई बोली और उठ कर किचन में चली गई। पूरा हफ्ता गुजर चुका था उसे बेला से बात किए हुए। बेला से बात ना करके वो खुद भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था।
शायद सुनहरी बालों वाली उस छोटी सी लड़की का दिल दुखाकर अजलान अब खुद भी पछता रहा था। जब बेला अजलान को मनाने दूसरे दिन उसके छोटे से क्वार्टर में आई, तब अजलान को उसे अपने घर में देखकर बहुत हैरत हुई थी। शायद 2 माह की अजलान से दोस्ती में वो उससे काफ़ी अटैच हो चुकी थी, जब भी वो इबाद के रवैये की उससे माफ़ी चाहती थी। मगर उस वक्त अजलान भी क्या करता, वो खुद इबाद के हित तक अमेज रवैये की वजह से काफ़ी गुस्से में था। जब भी बेला को डांटता हुआ उसे अपने क्वार्टर से निकल जाने को कह चुका था, मगर अब वो अंदर ही अंदर खुद भी बुरा महसूस कर रहा था। उसे यूं बेला का मासूम सा नन्ना सा दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। मैं नोट कर रही हूँ बागड़ बिल्ले, तुम चंद दिनों से काफ़ी खामोश खामोश से हो, क्या मैं तुम्हारी इस खामोशी की वजह पूछ सकती हूँ? गुल अजलान के कमरे में आती हुई उससे पूछने लगी, वजह जानकर तुम्हें क्या करना है? पूरे मोहल्ले में ढंडोरा पीटने के अलावा अपना काम करो गुल, जाओ मेरे कमरे से। अजलान को उसकी टोल लेने की आदत से सख्त चिढ़ थी। जब ही वो उकताए हुए अंदाज में बोला और पलंग से उठा, अगर मैं तुम्हारे कमरे से चली गई तो फिर तुम्हारी इस खामोशी का इलाज कौन करेगा? मैं जानती हूँ तुम्हारा ये दिल यूँ बेसबब उदास नहीं है। गुल अजलान के सामने आकर अपनी छोटी आँखों से उसकी आँखों में झांकती हुई बोली, मेरी खामोशी का, मेरी उदासी का या फिर मेरी किसी भी कैफियत का इलाज तुम नहीं कर सकती। यह बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में फीड कर लो। अजलान चिढ़ता हुआ गुल का चेहरा देखकर बोला, जिस पर गुल बगैर बुरा माने जोर से हंस पड़ी, बागड़ बिल्ले तुम जितना भी चिढ़ लो, खार खाओ या गुस्सा कर लो, लौट कर तुम्हें मेरे पास ही आना है। मैंने पहले ही कहा था, बात अगर दिल लगी की है तो ठीक है, मगर उसको अपने दिल से मत लगाना। अब देखो ना, चंद दिनों में ही वो फितना तुम्हें भूलकर अपने नए आने वाले कज़न के साथ मसरूफ़ हो गई है। ऊंचे ऊंचे तर्स के ख्वाब देखो ज़रूर, मगर उड़ने की कोशिश बेकार है। गुल की बातों का मफहूम समझकर अजलान ने गुल को गुस्से में देखकर अपने दांत पीसे, तुम जब भी मुंह खोलती हो सिर्फ और सिर्फ बकवास ही करती हो गुल, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वजूद इस घर में अब्बू की वजह से बर्दाश्त करता हूँ, और जो तुमने हमारे मुस्तकबिल को लेकर सोच लिया है या जिन बातों पर तुम खुश होती हो तो सुन लो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, ना ऐसा कभी होगा। खुली आंखों से जो तुम अपने और मेरे बारे में ख्वाब देख रही हो ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसीलिए खुद भी होश के नाखून लो। और आखिरी बात, मैंने किससे दिल लगाया है या किसने मुझसे दिल लगी की है, इसका ताल्लुक तुम्हारी ज़ात से नहीं है, इसीलिए तुम इन बातों की टोह लेना बंद करो और अपने काम से काम रखो। अजलान उसको गुस्से में अच्छी तरह सुनाता हुआ अपने कमरे से निकल गया। वो लड़की नहीं, एक फितना है, और मैं कभी भी उसको तुम्हारे साथ नहीं देख सकती, गुल जानबूझकर तेज़ आवाज़ में बोली ताकि अजलान तक उसकी आवाज़ चली जाए। उसे परवाह नहीं थी कि रक्षी उसके बारे में क्या सोचेगी। थोड़ी देर पहले रक्षी घर का सौदा लेने के लिए बाहर निकली थी। बाहर का दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था, जबकि नौफ सहन में खड़ी हुई धुले हुए कपड़े तार से उतार कर उन्हें तय करती हुई तख्त पर रख रही थी। तब उसकी नज़र बाहर सामने से आते इब्राहिम पर पड़ी, जिसको देखकर नौफ बेसाख्ता पलकें झुका गई। यकीनन वो अपने घर की तरफ जा रहा था। नौफ ने ज़रा सी नज़रें उठाकर देखा, वो नौफ की तरफ देखे बगैर मेन गेट से अपने घर के अंदर दाखिल हो चुका था। शायद उसने दूर से क्वार्टर में खड़ी नौफ पर नज़र डालना भी ज़रूरी नहीं समझा था। नौफ का दिल शिद्दत से चाहा इब्राहिम उसको देखे, उससे बात करे, उससे दोस्ती कर ले। जैसे और लोगों को वो अच्छी लगती है, ऐसे वो इब्राहिम को भी अच्छी लगने लग जाए। अपनी इस मांगी हुई दुआ पर वह खुद ही हंसती, भला ऐसा कहाँ मुमकिन हो सकता था। वो एक मगरूर तबीयत का लड़का भला कहाँ उसको देखना पसंद करेगा, दोस्ती करना तो दूर की बात। नौफ अपनी सोचों में गुम सारे कपड़े तय कर चुकी थी, तभी दरवाजे का दूसरा पट खुला और अदनान घर के अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है मेरी गुलाबो, बड़ी दिलजमी से कपड़ों की तय लगा रही है? अदनान की आवाज़ पर नौफ एकदम होश में आई और उसके गुलाबी रंग की कमीज पर जुमला कसता हुआ घर में आकर अंदर से घर का दरवाज़ा वो बंद कर चुका था, जिस पर नौफ का रंग फक हुआ। वो अपना तख्त पर पड़ा हुआ दुपट्टा फैलाकर ओढ़ने लगी। अरे मेरी नन्ही सी जान, इस छोटी सी उम्र में ये दुपट्टा लेने का तकल्लुफ क्यों करती है तू? अभी तो तुझे इसकी सही से ज़रूरत भी नहीं है। अदनान नौफ के पास आकर उसका दुपट्टा खींचता हुआ साथ ही बोला और उसके सरापे को गलीस निगाहों से देखने लगा, प्लीज़ मुझे मेरा दुपट्टा दे दें अदनान भाई। उसे कुरान पाक की तालीम लेने के साथ ही दुपट्टा लेने की आदत हो गई थी, और इस वक्त तो उसको अदनान की गंदी निगाहें अपने जिस्म पर चुभती हुई महसूस हो रही थी।
नौफ बेबसी से अदनान से फरियाद करती हुई बोली, भाई नहीं पगली, साईं, तेरे सर का साईं। अदनान बकायदा नौफ के करीब आकर उसका मुंह दबोचता हुआ बोला, जिस पर नौफ डर के मारे रोने लगी और अदनान उसको रोता हुआ देखकर जोर से हंसने लगा। अरे अरे मेरी नन्ही सी गुड़िया, देखो तो कैसे डर रही है अपने होने वाले खसम से। चल चुप हो जा, शाबाश, अभी तो मैं तुझे सिर्फ ये बताने आया हूँ, जब तक मैं उस गाली से अपने मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ का बदला ना ले लूँ, तब तक मैं तेरे साथ। हाँ हाँ, समझ रही है ना मेरी बात, उस साले कुत्ते से बदला लेने के बाद ही मैं तेरे साथ। अदनान नौफ का मुंह दबोचे हुए गलीज गुफ्तगू करके अपनी बात अधूरी छोड़कर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसके शिकंजे में रोती हुई नौफ अदनान से बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। तब अदनान उसको छोड़ता हुआ घर से बाहर निकल गया, जिसके बाद नौफ ज़मीन पर बैठकर जोर से रोने लगी। जबड़े की तरफ से उसका मुंह बुरी तरह सुर्ख हो चुका था। यह इंतखाब था उसके अब्बू जी का उसके लिए, जिसकी शक्ल देखकर नौफ को अभी से उससे कराहियत महसूस होती थी। बेला, मुझे तुमसे बात करनी थी। अजलान ट्यूशन देने के बाद अपने किसी काम से मार्केट आया था, तब उसे एक बेकरी पर बेला दिखाई दी। अजलान बेकरी के अंदर आता हुआ बेला से बोला, इस वक्त बेला अकेली नहीं थी, उसके साथ एक 24 साल का लड़का भी मौजूद था, जिसे अजलान बेला के साथ पहले भी 3 से 4 मर्तबा देख चुका था। बेला के साथ वो लड़का भी अजलान की तरफ मुतवज्जा होकर गौर से उसको देखने लगा। अब क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे, दोस्ती तो तुम ख़त्म कर चुके हो उसी दिन, बेला नाराज लहजे में अजलान को देखती हुई बोली। इससे पहले कि अजलान कुछ बोलता, असफर एकदम बोल पड़ा, स्वीटी बात तो सुन लो उसकी, वो क्या कहना चाह रहा है। असफर बेला को गुस्से करता देख कर बोला तो अजलान ने चौंक कर उसे देखने लगा। हाय, मेरा नाम असफर है, मैं बेला का फर्स्ट कज़न हूँ और बेला मुझे तुम्हारी और अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बता चुकी है, असफर अपना तारुफ करवाने के साथ मुसाफहा करता हुआ अजलान से बोला। उस दिन मैं गुस्से में था इसीलिए ज़्यादा ही बोल गया, मैं अपने रवैये की माफ़ी चाहता हूँ तुमसे। असफर से हाथ मिलाने के बाद अजलान बेला को देखता हुआ बोला। अजलान को महसूस हो रहा था उसके अंदर हफ्ते भर से उदासी और बेचैनी बेला से दोस्ती करके ख़त्म हो जाएगी। इस नीयत से उसके कदम बेला की तरफ उठे थे। मेरे साथ हर कोई ऐसा करता है असफर भाई, मैंने आपको फुलजा का भी बताया था ना, वो जो मेरी स्कूल की फ्रेंड थी, उसने ख़ुद पहले मुझे इतना बेस्ट फ्रेंड बनाया और चंद दिनों के बाद उसने मुझसे फ्रेंडशिप ख़त्म करके फिर दानेन को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लिया। उसके बाद यशर मेरा फ्रेंड बना, पर उसने भी अपना स्कूल चेंज कर लिया। फिर मैंने सोचा मैं अपनी एज से बड़ा कोई फ्रेंड बनाऊंगी जो फ्रेंडशिप का मतलब समझे, मैंने तभी इसे अपना फ्रेंड बनाया। लेकिन आपको मालूम है इसने उस दिन मुझे कितना हर्ट किया, मैं तो पापा के रवैये की माफ़ी मांगने इसके पास गई थी। बेला अपनी सारे दिल की भड़ास निकालती हुई असफर को बता रही थी। अजलान खामोशी से बेला को देख रहा था, उसे अंदाज़ा नहीं था ये छोटी सी लड़की उसकी दोस्ती को लेकर किस कदर हसास हो चुकी है। अरे स्वीटी छोड़ो तुम फुलजा और यशर को, जो लौट कर तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकते वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड कभी भी नहीं बन सकते, लेकिन अजलान को तुम्हारी दोस्ती की कदर थी जब ही वो तुम्हारे पास आया है, लेकिन इसने जो तुम पर गुस्सा किया है उसकी सज़ा हम दोनों मिलकर इसको देंगे। लेकिन इससे पहले मैं अजलान की खिंचाई कर लेता हूँ ज़रा, क्योंकि उसने मेरी प्यारी सी कज़न को हर्ट किया है, असफर बेला से बोलता हुआ खामोश खड़े अजलान को देखता हुआ बोला। दिखने में तो तुम अच्छे खासे समझदार लड़के लगते हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि गर्ल्स पर गुस्सा नहीं किया जाता, और फिर अगर गर्ल बेला की जैसी प्यारी और क्यूट सी हो तब तो उस पर गुस्सा करना बिल्कुल ही गलत है। मेरी कज़न को हर्ट करके गलती तो तुम कर ही चुके हो, अब तुम्हें पेनल्टी के तौर पर हम दोनों को आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। असफर अपनी मुस्कुराहट छुपाता हुआ मसनूई गुस्सा दिखाकर अजलान को डांट रहा था। उसकी आखिरी बात पर अजलान मुस्कुराया, मैं आपकी सारी बातों से अग्री करता हूँ और आखिरी वाली बात को भी हर जाने के तौर पर मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बेला के मुँह से सुनना चाहूँगा कि वो मुझसे खफा नहीं है, वो असफर को बोलता हुआ आखिरी जुमला बेला को देख कर बोला। मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुम मुझे फुलजा या यशर की तरह भूले तो मैं तुमसे बहुत बुरा खफा होंगी। बेला की बात पर अजलान मुस्कुराया और सच्चे दिल से वादा किया कि वो उसको और उसकी दोस्ती को ताउम्र याद रखेगा। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वॉज़ द एंड ऑफ एपिसोड 1 ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नावल उम्मीद वफ़ा बाय ज़ीनिया शर्जील। आई होप दैट यू लाइक इट।
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी, यही मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।